Yeah.
सुखदेव
परीक्षित महाराज की ओम जय श्री कृष्ण, जय गोपाल, जय श्री राम। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का सुंदर दिवस, मैं कुछ नामों का कलेक्ट कर रहा हूँ, उनसे निवेदन है। कृपया यथाशीघ्र पहुंचकर स्वामी जी का आशीर्वाद करें। अभी हमारे बीच में श्री सुभाष जी मालू आशीर्वाद करके स्थान पर बैठ चुके हैं। श्री बजरंग जी माजी मालू, मैं जिनके नामों को लिख कर रहा हूँ, कृपया व्यास व्यास पर आए। श्री बजरंग जी माजी मालू, श्री राजू भाई कोरिया, वंदना हैदराबाद, बेंगलोर, दोनों दक्षिण भारत से हैं, हैदराबाद या बेंगलोर। धन्यवाद। श्री दामोदर जी मालू, श्री वेणुगोपाल जी मालू, वंदना मालू, बेंगलोर, श्री पुरुषोत्तम जी मालू, श्री ओम प्रकाश जी सोनी परिवार के साथ, श्री महेश जी हरे जी सोनी, श्री संजय जी मालू, श्री घासीराम जी मालू, श्री राधेश्याम जी मालू, इन सभी श्रद्धालु भागवत प्रेमी सज्जनों से इनकी भावना इनके मुखमंडल पर जो दिल में हृदय में जो भावना चार चारों में समक्ष इन सभी की भी भावना चार चारों में समय समय आपके समक्ष पेश कर रहा हूं कि हाथों में पुष्प धर ले हम आपकी शरण में आएंगे। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास स्वामी जी हमें अपनाएंगे। आपके मधुर वचनों को हम अपनी झोली फैलाएंगे। आपकी मन मन वाणी से पुजोर हम निहाल हो जाएंगे। हम निहाल हो जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले पूर्व आरती के पहले हमारे इस भागवत कथा ज्ञान यज्ञ प्रमुख यजमान तापड़िया परिवार यहाँ पर सपरिवार पूजा आरती करके अपने स्थान पर विराजमान हो चुका है। आज के जो दैनिक यजमान है श्री गोपाल जी, रमेश कुमार रांदड़, आज के छप्पन के यजमान है श्री दिनेश पेठे परिवार, आज छप्पन भोग भगवान श्री कृष्ण की आनंद बाल लीलाएं, जिन्होंने छप्पन भोग में अपनी ओर से घर से सामग्री लेकर आए हैं, उन सभी माताओं बहनों भाभियों से भाइयों से निवेदन है। व्यास के पीछे आपकी सभी सामग्री को स्वीकार करने की व्यवस्था की गई है। आप वहां पर अपनी सामग्री अवश्य देवे और एक नंबर ले। परम पूज्य स्वामी जी के बारे में आप सभी की भावना जो है वो यही है कि गोदन गिरधारी गोपाल से आपने है परम पूज्यवर वरदान स्वरूप ऐसी सौगात पाई।
आपकी अमृत में मगन होने के सम्मुख नमकीन की राई भी बन जाती है, मीठी रसमलाई। आज छप्पन भोग हम सबने कुछ न कुछ पकवान लाए हैं, हमने भी अपने से रसमलाई भगवान को समर्पित कर दी है। पारिवारिक गोदान सेवा जिसके अंदर में पितृ पक्ष में माता जी ऊपर से अनाउंस भी करते आ रहे हैं, गोदान योग और बेटा योगी अपने हमारे को यह संस्था को बहुत बहुत प्रसन्नता हो रही है। अभी तक हमारे पास में 114 नाम आ चुके हैं, 114 नाम आ चुके हैं, जिनको भी लिखना है वो काउंटर पे लिखा सकते हैं। और अब समस्त नागपुर के श्रद्धालु भगवत प्रेमी श्रद्धालुओं की ओर से भक्तजनों की ओर से मैं व्यास परम पूज्य स्वामी जी महाराज से विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि आज की भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला छप्पन गोवर्धन पूजा इन सुंदर लीलाओं का वर्णन हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कृपा करें। हम लालायित हैं इन सभी लीलाओं के दर्शन करने के लिए। श्री गिरधर दास जी नत्थानी, कृपया आप व्यासपीठ पर यथाशीघ्र आकर स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद करें। श्री गिरधर दास जी नत्थानी, मित्रों कहते हैं कि आनंद उल्लास उमंग उत्सव और खुशी हमारे आसपास ही रहती है, बस भगवत कृपा से उसे खोजना पड़ता है, कभी अपनों में कभी सभी समय में। आप सभी विगत 22 तारीख से हमें अत्यंत शानदार सुंदर सहयोग दान कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी श्रोता सभी श्रद्धालु धन्यवाद और कृतज्ञता के पात्र हैं। ऐसी ही व्यवस्था सही सहयोग आने वाले दिनों तक भी आप बनाए रखें और उसके बाद भी ये निरंतरता बनी रहे। यही श्री नागपुर क्षेत्र की ओर से आयोजन समिति की उसकी भावना है। अब मैं विनम्रता पूर्वक अनुरोध करूंगा परम पूज्य संदीप पंडित जी से वे आज के अमृत वचनों को शुभारंभ करने की कृपा करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गोपाल। बिहारी में तो कब से खड़ी हो तो से घड़ी
Thank you.
ब्रजनंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन मदन मोहन घनश्याम श्याम सुंदर कृष्ण के बाल लीलाओं सुनने से पहले सब मिलकर करके अपने पितरों का और भगवान का स्मरण करें, स्तुति करें। भगवान परीक्षित भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। छठे दिन उतना आ रही है भगवान मानने के लिए कंसे नयन रहता घोरा पूतना बाल घानी काल को शहर लगा के भगवान को गोद में लिया भगवान से नहीं पहले उतना का शहर पिया फिर उतना का दूध पिया फिर उतना का प्राण पीने लगे अरे पूतना के लग गए अरे पूतना ना शब्द पर ध्यान देना अरे पूतना ना भगवान कौन सी सी आ रही है अरे पूत भी बना रही है जहर भी पिला पिला रही है चल पूतना तुमने कह दिया है पूत तो मैं तेरा पुत्र मेरी माँ पूतना की वो गति कर दी
जोगती यशोदा की देवकी की होनी चाहिए थी। ओही गति बोलो ना, मारने वाली की पूतना की कर दी। इसलिए सुखदेव कहते हैं परीक्षित भगवान के सिवाय करुणा वाला कोई नहीं है। तुम करुणा के सागर, ये करुणा देखो भगवान की, पूतना ही मारने के लिए, लेकिन पूतना को मां किसी गति दे दी। देवकी की गति बाद में, यशोदा की गति बाद में, पूतना की गति पहले। भगवान ने जन्म लेते पहले मन खलकाया, पहले जय जय बोलो, पहले मन खलकाया, पहले जहर जहर पिया। जब पहले कड़वा खाता है बाद में उसको मीठा मीठा डालता हूं। कड़वा खाना सीखो, परिवार में रहो, थोड़ा कड़वी वाणी सहन किया करो। जो कड़वी वाणी सास की पहले सहन कर कर दिया, उस सुबह सास वाला कंदोड़ा मिलता है, जोर जोर बनता है, पहले नहीं मिलेगा। स्कूल तो भगवान ने गोकुल में जन्म लेके पहले तीन देवताओं को मारा है, लीला बाद में किया। गोकुल किसको कहते हैं? गो मन शरीर कुल मन समुदाय, गो मन इंद्रियां, गो शब्द क्या होता है? इंद्रियां, कुल मन समुदाय। भगवान ने पहले पहले तो नाम को मारा है, फिर स्रोत को मारा है, प्रतिणाम लोभ को मारा है, ये जन्म जन्म ले बारे में तीन दिन को मारा है। फिर भगवान ने दूसरे वर्ष में लीला करते हुए मां को ब्रह्मांड दिखाया, मुख के अंदर से भूखे थे भगवान, दूसरे वर्ष रो रहे थे, मां नहीं दे रही थी। एक बार सुन लेना, भोजन के समय बालक को रुलाना मत, बालक का ध्यान रखना, और बालक को भी भोजन के समय मत रुलाना, बालक के बाप को भी मत रुलाना, दोनों का भोजन के समय ध्यान रखना। मां ध्यान नहीं दे रही थी, भगवान में
परात में दूध बड़ा था सर सर सिया सारा दूध दूध ते माई आगे का इतना दूध मेरे लाल लाल ने पिया माँ चिंता हुई कहीं अजीर्ण न हुई क्योंकि माँ ऐसी होती है कि बच्चा छोटा दूध नहीं पीता है तो भी चिंता होती है और दूध ज्यादा पी लेता है तो भी तो माँ को चिंता मुक्त करने के लिए दूसरे वर्ष वर्ष में भगवान ने जवाई ली उबासी ली माँ को पूरा मुख में मांड दिखाया क्यों दिखाया ये माँ जो दूध में पी रहा हूँ अकेला नहीं पी रहा मेरे मुख में पूरा मांड भरा है आज मैंने घर दूध पिया है काली में बरसा ब्रह्म ब्रह्म ने गुण गुल का दूध पीऊंगा तो भी मेरे को अजीर्ण नहीं नहीं होगा ऐसे ऐसे श्री वर्ष में तीसरे वर्ष में भगवान ने मयूर का पंख माथे पर लगाया कैसे लगाया जो यहाँ में मोर आया ना मोर के पीछे मयूर चल रही थी भगवान ने माँ से पूछा लाले ने माँ माँ ये मोर के पीछे कौन चल रही है माँ ने मोटी सी सी में गई दिया लाला मोर के पीछे मोर की बीन चल रही है क्या बोला बोला अब बीन नहीं सब बोला और तीसरे वर्ष से ही लाला के मामा मेरे बीन लीला राधे का गोरी से
आंगन के अंदर मोर पक्षी, मोर के पीछे मयूरी चल रही है। लाला देख के कहता है, माये मोर के पीछे कौन चल रही है? जसोदा ने कहा, लाला मोर की बीननी चल रही है। उसी समय दौड़ करके मोर के पीछे चल गई, मोर के पंख को तोड़ा, अपने माथे पर जोड़ा। कौन से वर्ष में? बोलो, तीसरे वर्ष में। हाँ, एक दान देना, सवा सौ वर्षों की कथा सुनाऊंगा भगवान की। अभी तो तीसरा वर्ष रह रहा, पूरी पूरा सुनना हो। मोर का कान माथे पर लगा गया, हंस का क्यों नहीं लगाया, तोते का क्यों नहीं लगाया? मोर बाल ब्रह्मचारी है, कभी स्त्री का सुख नहीं लेता, बेटे होते हैं उसके। कैसे होते हैं? जब सावन भादे का महीना आता है, मोर का आकाश में छा जाती है, शाम भर के बालों को देख के मोर को भगवान कृष्ण जी की बहुत याद आती है। पंख फैला करके नाचता है, कृष्ण की याद में उसके आंखों से अश्रु निकलते हैं, अजय अश्रु नीचे गिरते हैं, मयूरी ले लेती है। उसी समय गर्भवती होता जाती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो मोर के समान अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वो मेरे माथे का बोलना मुकुट बनता है। जीवन में ब्रह्मचर्य को अपनाओ। ऐसे भगवान चार वर्ष के हो गए। चौथे वर्ष की कथा सुना रहा हूं। चौथे वर्ष में भगवान ने क्या किया? ग्वाल वालों को बुला के कहा, अरे ग्वाल वालों मित्रों, हमें एक मंडली बनाओ। भगवान के मित्र ग्वाल के कहे, लाला अपनी मंडली का नाम क्या रखेंगे? बोलो ना, सौर मंडली। क्या नाम रखा? सौर मंडली। कान क्या क्या होगा? भगवान ने कह दिया, बस कान है, तुम देखते रहना कौन सी गोपी का घर सुना है। अपने चलेंगे उसके घर में, मक्खन चुराएंगे। सोते वर्ष मक्खन की चोरी की है, घरों में चले जाते थे, मक्खन छींकों पर ऊंचा है, लाला चार वर्ष का हो, पहुंच नहीं पा रहा है।
श्रीदादा गोगोल से कह श्रीदादा एक काम कर, तू घोड़ी बन, घोड़ी हाँ घोड़ी पर चढ़े भी पहुंचे नहीं, फिर क्या ऐसा सर घोड़ी पर घोड़ी घोड़ी पर घोड़ी चढ़ के लाले में मटकी घोड़ी। माँ का नकार गाया बाल बाल बालों खिलाया, जिस समय लाले ने माँ कंचन चोरी की उस समय बंदर बंदर बाजा जाते थे, भगवान ने बांदरों को भी खून मान दिया, क्यों दिया ये बांदरों, तुमने राम अवतार में मेरी बहुत मदद की, मेरे पास उठी कोटी नहीं थी, लेकिन मैंने कृष्ण अवतार में कंजूसों से ही पढ़ा दाता अजय गोपी का आपकी दिखाई दी है, महाराज सारों को ले ले भगवान अपने अपने चले जाते हैं, गोपी का ये आती है आंगन में मटके घोड़े पर है, दही भी खिरा रहा है, बंदरों की ठीठी पड़ी है, यशोदा के पास लाला लेके जा रही है, यशोदा तो तेरे लाले को संसार दे, हमारे घर आता है अकेला नहीं आता है, खुले खुले में लाला आता है, और इतना नहीं नहीं इसके आते ही पता नहीं बांदरों को कैसे पता चल जाता है, हमारे घर घर में ठिठर जाती है, ये यशोदा देख ये चोरी पड़ने की आदत तेरे लाले को लग जाएगी ना, छूटेगी नहीं, नहीं लोग तेरे को चोर की मां कहेंगे, उसी समय लाला ला क्या कहा है, ये बाचनी कला बता रहा हूँ, सच्ची कला कौन सी सोलह पांच की बता दी बाचनी कला, मतलब भगवान बोलेंगे झूठ काम करके लेकिन बोलेंगे उस समय बाचनी कला में गोपिका ऐसे मोहित हो जाएगी कि वो बोल नहीं पाएगी, वो कहते चोरी करता है, लाला क्या कहता है ये सब झूठ है, मैंने कहा जाता ही नहीं, मां मेरे को तेरे आपके सिवाय किसी के हाथ का मांगन कर पाई ही नहीं, इन गांव के ग्वालियरों का हाथ कंगन है, मक्खन कंगन का मां मेरे को इनके हाथ का बोर ये बिना देर तो भी नहीं भावे, मैं नंदराज का जगह रहा हूँ, मेरे घर में लाल गाय में दूध देती है, ये सब भी के देख देखो गोपी का हूँ, मेरे लाल को चोर मत कहो, हाँ यदि चोरी करे ना पकड़ करके लाना, मैं इसकी पिटाई करूँगी, एक चंद्रावली गोपी के कहते देख ये सदा तो भी सुन रही है, ये तेरा लाल भी सुन रहा है, मैं पकड़ करके लाने वाली नहीं हूँ, मेरे घर घर का ना कमर में बांध दूंगी, बंद कर दूंगी, ताला लगा के चाचा तेरे को सो सो दूंगी, लाला कहता मां ये बांध दे देवे और बंद कर कर देवे और मैं कमरे में बंद मिल जाऊं, मेरी पिटाई करना, संसारावली गोपी के लाला तेरे को बांध के मैं बताऊं तो मेरा नाम संसारावली है, ऐसे गुस्सा करके दे गई मां लाले को संसार लाला संसारावली गोपी भी बहुत बदमाश है, तो इसके घर में चले जाना, बहुत सुंदर दे दे लाला हो गया सो हो गया, हां ऐसे चोरी करके ना तेरी सगाई नहीं होगी, चंद्रावली गोपी झरोखे से देख रहे कैसे कब लाला कब कपड़ों कब कान बांधूं कब कान बंद करूं कब यशोदा को बुलाऊं, तीसरे दिन एक चोर मंडली का सदस्य आया कहा लाला ला, चंद्रावली के घर मत जाना, और तीन दिनों से सिरा इंतजार कर रही है, लाला कह रहे हैं जो जो इंतजार कर कर उसके घर घर पहले ले जाता हूं, मैं जा जा रहा हूं, हम तो नहीं चलेंगे, अरे वो बांध दे बंद करके
मेरा इंतजार कर रही है। चंद्रा जी को देख रही है, अल्लाह रहा है, कमरे को बंद कर दिया। हाँ, एक कोने में बैठ गई और लाला धीरे 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 कमरे में कपाट खोला। माखन का मटका बाबा हाथ डाला, माखन खाने लगा। चंद्रा जी को देखने का लाला क्या कर रहा है, लाला ले रह कर कुछ नहीं रहा हूँ, माखन में दे दे रहा हूँ, चीटियां तो नहीं है, कीड़ियां तो नहीं है, हाथ पकड़ कर के कहा लाला अब मैं तेरे को बांधूंगी, बंद करूंगी, जो त्रिलोक की को बांधने वाला उस ब्रह्मवाज को भी बांध रही है। बंद कर दिया कमरे में, ताला लगा दिया। यशोदा के पास जाके कहने लगी, यशोदा मैंने कहा तेरे लाला की चोरी की कि अपने छूटेगी, अब चल मैं बांध के आया हूँ, बंद करके आया हूँ, खोल ये चाबी ले ले। यशोदा का कलेजा धड़ 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 कर रहा है, लाला भजे जे कर दी ग्वाल बोल 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 और वो विचार करते हैं, लाला तेरे को तो तेरी माँ छुपा लाली, पकड़े जाएंगे हमारी पिटाई होगी, भीड़ में यशोदा गई, अरे कौन से कमरे में है, इसमें अब यशोदा का हाथ तर तर कर रहा है। यशोदा ने चाबी उसी गोपी चंद्रावली को दे दी, चंद्रावली तू ही खोल। सुखदेव जी के परीक्षित जय चंद्रावली गोपी ने ताला खोला, दरवाजा खोला, आगे गेटे देखा, लाला तो कोंदा नहीं है, उसका बिल बदला पड़ा, उसका पति बदला पड़ा। चंद्रावली के गेटे आगे ये क्या हो गया, यशोदा के गेटे आगे चंद्रावली ने लाला कहा है, ये तो तेरा पति है ना। महाराज चंद्रावली विचार कर कर किया बांधा, लाले ले को निकल गया पति, इतने में लाला लग गया, अरे क्या 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 इतनी भीड़ कैसे है, हाँ माँ के पास आए तो देखा गोपी का पति बंधा हुआ है, आ लाला क्या कहता है, ये ऐसे झूठ झूठ बोलती है, माखन खाते के पति नाम लगा दिया मेरा, अरे बेचारे पति को दे दे नहीं कभी ये छुपके कहा जा जावे, देखो ऐसे होते होते जो पतियों को ऐसे माखन के लिए बांध देती है। किनारे बहुत सी गोपियां बैठी है, ये बाल लीला का वर्णन है, चौथे चौथे वर्ष में हो वो कहते बहनों नंद का छोरा बहुत बदमाश है, बदमाश से उसको जादू करना आता है, मंत्र तंत्र जानता है क्या, अरे आज की भी बात है, मैंने उसको बांधा था और कमरा खोला वो तो नहीं मिला, मेरा पति बंधा मिल गया, पता नहीं क्या मर जाता है, तंत्र जाता है, मेरी चीजें बैठ गया, मैं सुनने लगी तो मेरे को लाला बोलता है गोपी, गोपी क्या कर रही है, मैंने टाटा जी का ससुर खा 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 खा
मेरे ठाकुर जी को उठा के ले गए ससुर ले गया, मेरे ठाकुर जी के सिंहासन पर छोटे से कुत्ते के बच्चे को बिठा चला गया। बहुत बदमाश। इतने में प्रभावती गोपी हो वो कहती है, तेरे में मैं क्या किया, मेरे में क्या क्या किया। परसों की बात, मेरी छोटी वाली चूची रो रही थी, मैं रोटियां बना रही थी, तो मैंने उसको रोती हुई को गोद में ले लिया। रोती रोती मेरी बेटी को नींद आ गई, गोद में मेरे पैर दर्द करने लगे। मैंने धीरे से उसको उठाया गोद में, मेरे ससुर से कमरे में ससुरे पे थे, ससुर के साथ सुला के आई। मैं रसोई करने लगी, बहनों नंद का चाचा का कब आया, मेरे ससुर से के कमरे में रख गया। ससुर से को नींद नहीं आई थी, मेरी बेटी को नींद नहीं आई थी, मेरी बेटी की चोटी को ससुर से की दाढ़ी में बांध के चला गया। बड़ा बदमाश।
मणिग्रीव
नलकुबर नाम था। नारद जी के सामने उन्हें नग्न स्नान किया। नारद जी ने दोनों को वृक्षों में जाने का श्राप दिया, लेकिन संत का श्राप वरदान बन गया। लाला बंदा दादा था, लेकिन वृक्षों को बंसी से बहुत कर कर दिया। जय वृक्ष के ग्वाले वाले भाई, लाला बंदा रो रहा है। जिसमें लाला ने चोरी की उसमें छोड़ना पड़ा, जिसमें माने ने बांधा उसमें दामोदर नाम पड़ा, जिसमें गाय चरने गई उसमें ग्वाल गोपाल नाम पड़ा, जिसमें गाने दूध का अभिषेक किया उसमें गोविंद नाम पड़ा, और जिसमें गिरिराज को उठाया उसमें गोवर्धन नाम पड़ा, और जिस समय जरासंध को पीठ दिखाया उस समय रणछोड़ नाम पड़ा, और जिस समय मैं नाटक किया उस समय बोलोड़ा नटवर नागर। इसलिए हम बोलते हैं नटवर नागर नंदा मांग लाला नहीं रहा है,
और यशोदा कह नहीं रही है। अरे ये सोचा क्या मैं चाहता है एक बार के लाला के तब भैया एक बार के लाला भोजन कर मैं तेरे को होगा भूख नहीं है इतने में एक बुढ़िया डोकरी माथे पर फलों की टोकरी और मंद से के गया से निकल कर कह रही है कोई फल ले लो लाला लौड़कर के बुढ़िया के पास गया। माँ मेरे को भूख लगी है, मेरे भैया भोजन नहीं दे तो फल दे दे। डोकरी क्या कह रही है, बुढ़िया क्या कह रही है, लाला लाल कर पहले मेरा काम कर कर। अम्मा क्या क्या काम करूं, पहले मेरे गोद में बैठ। लाला लेट गया बेटा ने के कहते बुढ़िया के गोद में सो गया। और बुढ़िया मां ओ पलना से ससे मांडे में सोसिया और लाला के मुख में दे दिया लाला लाला रहा है। थोड़ी देर में देखा लाला ने टोकरी खाली पड़ी है। लाला विचार करता है, अरे इस विचारे ने मेरे को सब दे दिया। जो लाला को सब कुछ दे देता है, लाला कंजूस नहीं है। महाराज बुढ़िया डोकरी देख टोकरी की तरह टोकरी हीरे बनो से भरी हुई है। और लाला गोद में सोया कह रहा मां आज तुम जो मांगो सो दे हूं और तेरे को चाहिए वो चीज मेरे से मांग ले। हाय 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 बुढ़िया ने क्या क्या दिया, लाला तो देना चाहता है इस बुढ़िया को एक चीज दे दे काम क्या क्या जैसे लाला तो आज मेरे गोद में सोया है ऐसे ही अंत समय में इस बुढ़िया को तेरी गोद में सुला लेना बस भगवान से मांगो एक चीज। हे भगवान तेरी गोद में सोते पर बुढ़िया पर कृपा की है। पांच वर्ष में बलि कला से अफगासों को मारा है, बन बन गोज लिया है, ब्रह्मा के घमंड का चकना चाच किया है। और महाराज पांच वर्ष जब ब्रह्मा जी देख रहे हैं भगवान कृष्ण अफगासों को मार के बन बन गोज कर रहे थे ना, सबका जूठा खा रहे थे ग्वाल वाला का। ब्रह्मा जी ने विचार किया ये कृष्ण परमात्मा नहीं हो सकता, ये तो सबका जूठा खा रहा है। ब्रह्मा जी क्या क्या कहते हैं, ग्वाल वालों को चुरा के ले ले गए। हाँ भगवान जी बछड़ों को खोजने गए, इधर ग्वाल वालों को चुरा लिया, इधर बोलो ना बछड़ों को चुरा लिया। भगवान कृष्ण देख रहे हैं न ग्वाल मिल रहा है न बछड़े मिल रहे हैं। सायंकाल का समय हो गया, गाय दूध का काम बछड़ा का इंतजार कर रही है, मां बेटों का इंतजार कर रही है। भगवान कृष्ण क्या क्या कहते हैं, महाराज पांच वर्ष में स्वयं बछड़े बन गए स्वयं काल बन गए। यह भगवान की लीला है। लीला और क्रिया में बहुत अंतर है। मनुष्य जो करता है उसका नाम क्रिया है, परमात्मा जो करता है उसका नाम लीला है। मनुष्य जीवन को जिंदा नहीं रख सकता, परमात्मा मरे को जिंदा नहीं स्वयं बन जावे। बारह महीने हो गए हो, अब विचार करो बच्चे बने गायों का स्तन का पान कर रहे हैं, ग्वाल बाल बने बने मामा से बात कर रहे हैं, देसी बोली देसी चाली देसी कपड़े, क्या ये जीव लीला कर सकता है। जीव करता वो क्रिया, प्रभु करते वो लीला।
ब्रह्मा जी ने देखा महाराज नीचे आगे देखा कृष्ण ग्वाल बने कृष्ण बछड़े बने ब्रह्मा जी के घमंड का चकनाचूर हो गया। बारह महीनों के बाद क्षमा मांगी महाराज आपके बछड़े आपके ग्वाल महाराज भगवान ब्रह्मा के जाने के बाद ग्वाल बाल लेकर के और भगवान कृष्ण गए गोकुल वृंदावन में। हर ग्वाल बाल ने यशोदा से क्या कहा, यशोदा मैया आज तेरे लाले ने अक्कासुर को मारा जब के मारे हुए बारह महीने हो गए। ये पांच वर्ष के लीला गोकुल वृंदावन में छठे वर्ष प्रकाशित हुई। भगवान छठे वर्ष में तीन चीज को स्वतंत्र करने का संकल्प किया, फल जल और थाल। फलों को धेनुकासुर के शिशु खाने नहीं देता था, जल को कालियानाग के शिशु पीने नहीं देता था और थाल जमीन को जरासंध के शिशु लेने नहीं देता था। भगवान ने बलराम जी को आगे करके महाराज उस ब्रह्मासुर को मारा और यमुना में कूद करके जल को पवित्र किया, कालिया नाग को निकाला। यह जल तरंगिणी की कला है, कौन सी कला है? जल तरंगिणी भगवान की ऐसे जल पर चल रहे हैं। यमुना में कालिया पर नृत्य किया, कालिया के मुख से खून निकल रहा है। कालिया का भगवान पहले बताओ मेरे को किसने बनाया? भगवान कहते मैंने बनाया, मेरे मुख में जय जय किसने डाला? अब मैंने डाला। मेरा तमोगुणी स्वभाव किसने किया? अब मैंने किया। तो कालिया कहता है इस विश्व के स्वरूप में रहा क्या है? भगवान कहते हैं कालिया तो यमुना से निकल जा, क्योंकि यमुना में रहता है पशु पक्षी पानी नहीं पी सकते, तो रमणगढ़ द्वीप में चला जा। कालिया कहता भगवान रमणगढ़ द्वीप में मेरे करोड़ों जीव मार देंगे। भगवान कहते कालिया मेरे चरणों की छाप तेरे लग गई, अब तेरे कोई नहीं मार सकता। भगवान ने छह वर्ष कालिया को यमुना से निकाला। वृंदावन में चल रही है, वृंदावन हमारा तुम्हारा शरीर है और यमुना भक्ति है, कालिया क्रोध है। भक्ति को पवित्र करना है तो मन से क्रोध को निकालो। जब तक हमारे मन में क्रोध रहेगा तब तक भक्ति पवित्र नहीं होगी। भक्ति को पवित्र करो। यदि हमने बहुत दान दे दिया, बहुत भगवान का नाम ले लिया, बहुत पूजा कर दी, बहुत पाठ कर दिया और पांच मिनट यदि क्रोध हमको आ जाएगा ना, दस वर्ष की तपस्या हमारी बेकार चली जाएगी। कालिया को निकालो। कालिया को गिनती के बढ़ने पर अपने मन में रहने वाले करोड़ों रूपी कालिये के अनगिनती बने। जब तक क्रोध नहीं मरता है दादा, तक कितनी तपस्या करेंगे, हमारी तपस्या निष्फल हो जाएगी। एक इशारा ध्यान देना, उसने अपने खेत में कुआं खोदा गया, कुएं में पानी बहुत निकल गया। किसान बड़ा राजा कुएं के पानी से सिंचाई भी करी, महाराज पानी पिए। एक दिन किसान के देखते कुएं में कुतिया गिर गई। क्या गिर गई बोलो? कुतिया गिर गई। किसान गए पंडित जी के पास, महाराज मेरे कुएं में कुतिया गिर गई, मेरे कुएं का पानी पीने लायक हो गया, क्या क्या कैसे पीऊं? और उसमें डाल दे, तेरे कुएं का जा पानी पीने लायक हो जाएगा। किसान आया, पंडित जी ने 20 गड्ढा का कहा, किसने 100 गड्ढा कुएं का पानी निकाला। पंडित जी ने एक शिशि गंगा जा कहा, किसने बोलो ना
एक गड़ा गंगा जल डाल दिया कुएं में। और जाके पंडित जी से कहता, गुरुजी आपने तो 20 गड्ढा का था, मैंने 100 गड्ढा कुएं से पानी निकाल दिया, आपने एक शिशि गंगा जल डाला था, मैंने एक गड़ा गंगा जल में डाल दिया, क्या मेरे कुएं का पानी पीने लायक हो गया? पंडित जी ने पूछा, कुतिया को निकाला या नहीं? कुतिया को नहीं निकाला। तो क्या है, कौन सा कुआ है, कौन सा कुत्ता है? ये मानवता नहीं हुआ है, इसमें क्रोध रूपी कुत्ता मरा हुआ बढ़ गया है। जब तक हम क्रोध रूपी कुत्ते को मन से निकालेंगे, तब तक कितना ही दान कर लो, कितना ही स्नान कर लो, कितना ही पाठ कर लो, कितना ही पूजा कर लो, कुछ ने क्रोध को मारो। तब भगवान ने काली को यमुना से दमन किया, यानी भक्ति से तुम क्रोध को मार दो, बाहर निकाल दो। फिर भगवान वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। 36 वर्ष बड़ा पीड़ा स्वपद रमण सद गीत कीर्ति। वृंदावन के अंदर भगवान ने 6 वर्ष बांसुरी बजाई। ये भगवान की 12वीं कला आ गई है, वो आकर्षणी कला। कौन सी कला? आकर्षण। जय बांसुरी की आवाज सुनी, गायें घास खाना भूल गई, बछड़े दूध पीना भूल गई, गोपिकाएं श्रृंगार करना भूल गई, ब्रह्मा वेद लिखना भूल गया, शंकर जी कैलाश को भूल गई, और राजा तो राज करना ही। बोलो ना, बांसुरी की आवाज सुनते ही गोपिकाएं दौड़ी दौड़ी आ रही है। Thank you.
जन जग से संदेश जयंति जमाला रन राधे नरद सदा दया कोय जग पवंदई जब भगवान का दिन भगवान ने छठे वर्ष बांसुरी बजाई ना महाराज गोपिका गई एक हिरणी आई बांसुरी सुन कान लगाया फिर थोड़ी रुकी दौड़ करके हिरण को बुला लाई एक गोपी के दिए देखो बेनो हिरणी आई अपने पति को भी बांसुरी सुनाने के बुला के लाई दोस्त को के बेनो हिरण है ना हिरण इस हिरण की बात मानता है बांसुरी सुनने आ गया मेरे भी इच्छा है मेरे पति को बांसुरी सुनाऊं लेकिन बेनो हिरण का पति हिरण की बात हिरणी की बात मानता है वो तो आ गया मेरा पति मेरा मेरी बात मानता नहीं मैं सोचती आज बांसुरी सुनने आ जाता हूँ कल नंदसमी में आया आज बांसुरी सुनने में बोलो ना हरणी का पति हरणी की बात मानता है माताओं बहनों कोई बात नहीं आज बांसुरी में आया ना पति कल भगवान के बियों की कथा आएगी कल जोड़े से आना हो जोड़े से हमने सुना है बात बड़ी जोर की आएगी अरे विवाह भी बड़ा गजब होगा कल बीन बन के कोई आएगा बीन नहीं कोई ले जाएगा बीन बन के दुल्हन बन के शिशुपाल आ जाएगा दुल्हन लोगों के विवाह में तो जोड़े से जाते हो कल हमारे ठाकुर का विवाह होगा ससुरे से आना बहुत सुंदर विवाह का प्रसंग आएगा जो ही भगवान ने बांसुरी बजाई वृंदावन के वृक्ष झुक गए बांसुरी झुक गई बांस क्यों झुके बांस लाले को अपना दामाद मानते थे वो कोई पूछ लेगा भागवत सुन रहे हो वो बांस का जवाई कौन बोलो ना कृष्ण कैसे हैं कृष्ण बांस का जवाई बांस किसकी बेटी है बोलो बांस की बेटी है आज पिता बांस अपनी बेटी को जवाई के ऊपर देख रहा है विचार करो उस पिता को कितनी प्रसन्नता होगी वो बांस के साथ विचार कर रहा है मेरा दामाद कितना अच्छा है मेरी बेटी को होठों पर मारा है पिता का बहुत प्रसन्नता होती है जिसका जवाई उस पिता की बेटी को अच्छी तरह रखे ना उस ससुर बहुत भाग्यशाली होता बोली चाली में कहते हो बेटी सुखी तो माई सुखी बेटी दुखी तो आ बांस कितना प्रसन्न है
मेरा सवाई कितना अच्छा है, मेरी बेटी को टोटो पर रख रहा है। यदि जवाई बेटी को अच्छा नहीं रहा है ना, पिता बिना गिनी दिन रात चलता रहता है। सब कुछ पिता के घर है, सब कुछ बेटे के ससुराल में बैठा है, लेकिन जवाई अच्छा नहीं है ना, उस पिता के आंखों में ऐसा सामान लिखा है और सब ठीक है, लेकिन बोलना ना मारे पांव ससुराल ठीक बोलना ना, ये सबसे बड़ा बड़ा फर्क है। आज बांस बड़ा सा सुना ऐसे बांसुरी बजाते भगवान कृष्ण छठे बरस वृंदावन के जंगल में गए। उस जंगल के अंदर भगवती जगदम्बा जगजननी कात्यायनी देवी का मंदिर था पार्वती का। उस मंदिर में गोपिकाओं की कन्याएं, गोपों की कन्याएं आके कात्यायनी की पूजा करती थी, इस मंत्र का जप करती थी। कृष्ण जैसा वर और द्वारका जैसा नगर, हमने सैकड़ों कन्याओं को यह मंत्र दिए हैं और 90 दिन तक जिस कन्या ने इस मंत्र का जप किया है ना महाराज, उसकी सगाई बोलो ना 6 महीने में होके रहती है। एक कन्या होती है कात्यायनी महामाई महायोगिनी, खड़ा होके कहता गुरुजी कन्याओं का मामला बहुत अच्छा है,
सुरा ने बिगिन ने मैं लग को ने छोरा मंत्र बताऊं बोलो। हाँ, लड़कों के लिए कोई मंत्र बताओ कि बीवी नहीं आ जाए। अरे लड़के, यदि इस मंत्र का जप करे तो लड़कों की भी सगाई बोलो ना सोते में मैं उजागर करे तब ना हमारे शास्त्रों में सारी बातें पता नहीं मानो रे मांग गई मानो व्रत अनुसार को दे दो। वो यदि जप करे तो सुंदर पत्नी नहीं मिले। अब वो तो कात्यायनी का पूजन कर रही है, वो कन्या है, जंगल है। और बाहर लेने के लिए साधना यमुना नदी दे रही थी। कपड़े उतारे, हाथ स्नान करे, यमुना ने स्नान करने लगी। कपड़े गंगा किनारे पर पड़े हुए थे, छठे वर्ष नंद कटाया। गोपिका के मन की चोरी करने वाला, माखन की चोरी करने वाला छठे वर्ष में कन्याओं का चीर हरण कर लिया। कौन सी वर्ष से बोलो लो? छठे वर्ष। कदंब के वृक्ष के ऊपर बैठ के बांसुरी बजाई, गोपकन्या घबराई। इतने इतने पानी में हो सारी कन्याएं, और हाथ जोड़ के क्या कह रही है? श्याम सुंदर ते दास्य करवा मैं तबोदिता। लाला क्या कह रहा है? दासिया उसको कहते हैं जो मालिक का कहना माने। भोग ने कह दिए, हमने तेरा कहना कुछ डाला, मानो तो कपड़े दे दूं, कमान ले ली। आ जाओ जब से बाहर निकलो, कदम के वृक्ष के नीचे आ जाओ, कपड़े दे जाओ। यदि दासिया हो तो आ जाओ। इतने पानी में दियो लाले के बोलना उगोग ने जल से निकली एक आसन ऊंचा चढ़ा कर एक ऊंचा कर लिया। ले हमने तेरा कहना मान लिया, पानी से बाहर निकल गई अब हमारी कपड़े दे दे। लाला कहता है ऐसे नहीं मिलेगा, तुमने जल में नग्न स्नान करके सूर्य भगवान का अपमान किया है। यो जल वरुण देवता का तिरस्कार किया है, और नग्न बाहर निकल के सूर्य भगवान का अपमान किया है। यदि कपड़े तुमको लेने हैं, दोनों हाथ सूर्य भगवान को जोड़ दो और कह दो कभी भी हम नग्न स्नान नहीं करेंगे, तब कपड़े दूंगा। गोपिका ने दोनों हाथ सूर्य भगवान को जोड़ दिया, कहा वो कभी नग्न स्नान नहीं करेगी। भगवान ने कपड़े दे दिए। आक्षेप मत करना,
चीर अरण्य लीला में बड़े बड़े विद्वान माना जाते हैं। लोग कहते हैं भगवान ने चीर अरण्य किया। देखिए सोच के बोलो, कोई पूछेगा कौन से वर्ष में किया? बोलो बोलो बोलो, मैं एक एक वर्ष की आयु बता रहा हूँ, सोलह कड़ा बता रहा हूँ, एक एक वर्ष की आयु का लीला का वर्णन कर रहा हूँ, और पूरे सवा सौ वर्षों की कथा सुनाऊंगा। बोलो बोलो, भगवान ने चीर और कौन से वर्ष में किया? छठे में किया। बहुत अच्छा। और कह देना पहले ले देख भागवत को, भगवान ने चीर कौन से वर्ष में किया? छठे वर्ष में। किसका किया? बोलो बोलो, सोच के बोलना, किसका किया भगवान ने चीर? गोपिकाओं का नहीं किया, गोप कन्याओं का किया। यहां भ्रांति हो रही है सबको। भगवान ने स्त्रियों के कपड़े नहीं चुराए हैं, भगवान ने कन्याओं के कपड़े चुराए हैं। अब कन्या किसको कहते हैं? जो नौ वर्ष से छोटी है उसका नाम क्या है? कन्या। अरे अभी नवरात्रि आने वाली है, अष्टमी को तो तुम्हारे घर में कन्या भोजन कराओगे, कोई 15-16 वर्ष की होगी क्या? बोलो ना, क्या होगी? हमारे घर में कन्या भोजन है, छोटी छोटी को बेटा 8 वर्ष तक देना है, क्योंकि सबको पता है कन्या 2 वर्ष से छोटी होती है, उसको कन्या कहते हैं। 9 वर्ष बाद में रोहिणी संज्ञा हो जाती है, 10 वर्ष के बाद में रजस्वला संज्ञा हो जाती है। तो भगवान ही 6 वर्ष के लिए तो कन्या 5.5-6 वर्ष की राक्षस होता ही नहीं है। तो कलेंडर में देख रहे हो, चित्र में देख रहे हो, बड़ी बड़ी औरतों का भगवान चीरहरण करते दिखा रहे हैं, ये कलाकारों की कलाकारी है। भगवान ने औरतों के कपड़े नहीं चुराए, भगवान ने तो कन्याओं के कपड़े चुराए। भगवान ही 6 वर्ष के लिए अच्छे हो गए कैसे? तो भगवान ने 5.5-6 वर्ष की थी। आइए भगवान 7 वर्ष के हो गए, 7 वर्ष भगवान देख रहे हैं ग्वाल बाल बेटे में, बहुत अच्छी से बता रही है वो 7 वर्ष की। सब गोष्ठी कर रहे हैं, काल इंद्र की पूजा कर रहे हैं, काल इंद्र की पूजा कर रहे हैं। भगवान ने कहा सुन लो मेरी बात, काल इंद्र की पूजा मत करो, काल गिरिराज की पूजा करो। सावधान, 7 वर्ष की कथा है। ग्वाल बाल कहते हैं लाला इंद्र वर्षा करता दीता है, अग्नि खाती दीती है, तेरा गिरिराज कुछ खाता तो दीता नहीं। लाला कहता सुन लो, मेरा लाला अच्छी चीज खाता है, यदि अच्छी चीज तो तुम घर से बना के लाओगे तो मैं तेरे तुम लाले को खाते हुए दिखाऊंगा, प्रत्यक्ष दिखाऊंगा, प्रत्यक्ष दिखाऊंगा। सारे ग्वाल लाल घर में गए, अपनी अपनी माताओं से कहने लगे, माताओं कल लाला गिरिराज को भोजन खिलाएगा, गिरिराज खाता हुआ दिखाई देगा, महाराज ने भाव से भोजन बनाया गिरिराज के लिए। जय सूर्योदय। ग्वाल बाल तांगों के अंदर 56 प्रकार का मेवा मिष्ठान लेके आबाल व्रत पहुंच गए कहां? गिरिराज के पास। जल्दी नहीं बताओ भगवान की आयु कितनी है? बोलो ना, 7 वर्ष की है। लाले को बोला ले लाला, हाँ बढ़िया चीज बना के ले गए, वो खाते हुए मैं बताता। महाराज लाले ने देखा बहुत बढ़िया व्यंजन, कोई
खीरवान बना के लाया तो कोई रसगुल्ला बना के लाया तो कोई चमचम बना के लाया तो कोई बालूशाही बना के लाया तो कोई अमृती बना के लाया तो कोई राजभोग बना के लाया कोई जलेबी बना के लाया तो कोई खीर बना के लाया तो कोई घेवर बना के लाया कोई पेठा बना के लाया कोई लड्डू बना के लाया कोई पेड़ा बना के लाया तो कोई हलवा बना के लाया हलवा भी तीन प्रकार का लाया कोई सूजी का बना के लाया कोई दाल का बना के लाया कोई बादाम का बना के लाया हाँ खिचड़ी बना के लाया कोई हाँ खिचड़ी भी तीन प्रकार के लाया एक तो मोट बाजरे की बना के लाया तो कोई मूंग और चावल की बना के लाया कोई नमकीन की खिचड़ी बना करके ले आया हाँ कोई सांगरी का साग बना के लाया तो कोई कचरे की चटनी बना के लाया तो कोई पापड़ दालपड़ सापड़ लेके आया खाने कितना बदलाव आया था भूख लग जाती और ये बढ़िया बढ़िया चीज़ कोई कतली भी बना ले लाया इतनी दूर का यारी को तो बदाम की रिक्त चुकी है अलग कोई नागरी आपा मेरे लाले को छप्पन बाबा में बेबीन की सब्जी बहुत अच्छी लगती है हाँ वो भी ले लाये मूड़ी है ना ले कोई काजू किसमिस बादाम अखरोट आप लोग आज लाए हो नहीं हाँ जो लाया है भगवान के घर छप्पन भोग लगाएगा ना उसके घर के अंदर सात पीढ़ी होता है छप्पन भोगी भी बच्चे खाएंगे बाहर इतना ठप्पा लगा दिया बाहर ने यार कोई छप्पन भोग में चला देता है ले ले खाते हो बता भगवान ने क्या करते हैं एक तरफ गिरिराज पर बैठ गए हैं और दूसरी तरफ बोलो ना गिरिराज की पूजा कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं मैं गिरिराज हूं खा रहे हैं खिला रहे हैं नारद जी देख रहे हो नारद जी के बाद बच्चे हैं बोलो ना नारद जी दौड़े दौड़े इंद्र के पास गए नारद को जगाने के लिए इंद्र कहती है वो नारद की गलती हमारे मन की गलती की तरह है जैसे मन भी यहाँ पर है और राजस्थान में जयपुर में जाने दे देर में क्या बंबई जाने दे देर में कलकत्ते जाने दे देर में ऐसी नारद की गलती थी नारद जी ने जाके इंद्र से कह दिया इंद्र थोड़ा नीचे से तेरी परंपरा की पूजा है ना कृष्ण ने छिपा दी इंद्र ने नीचे से देखा महाराज इंद्र क्या करता है घमंड में आकर के बादलों को बुलाया मर्दों को और कहा जाओ गोकुल बरसाने में वृंदावन में खो पानी बरसाओ डबो हमने कहा था तो इंद्र की पूजा बंद मत करा देख इंद्र नाराज हो गया अब मत दबोएगा सात वर्ष से अल्लाह क्या कहता है चिंता मत करो घबराओ मत जिसकी हमने पूजा की है पूजा जब भी बदल जाएगी चलो गिरिराज के पास करो नमस्कार सबने नमस्कार किया सात वर्ष से बाएं हाथ की छोटी अंगुली पर बोल दे गिरिराज धड़की जय हो गिरिराज को उठा लिया ग्वाल बाबा से कह दे आ जाओ नीचे आ जाओ ग्वाल बाबा विचार करते हैं आप तो समय गिर गया तो लकड़ियां लगा रहे हो लकड़ियां कोई कोई लाला तो भगवान की बाजू से बाहर है लाला तेरा हाथ दर्द करने हो लग गया ले हाथ बाबा दे
कई लकड़ियां ऐसे दो। एक बात आपको बताऊं, बिगर लकड़ी लगाए बिगर गिल्ला सात दिन टिकता नहीं है। सात दिन तक गिरिराज पर टिकना है तो लकड़ियां तो लगानी पड़ेगी। इतना बड़ा ज्ञान रूपी गिरिराज को गोरक्षण अनुसंधान केंद्र ने उठाया, लेकिन लकड़ियां तो आप सबने लगाई तो टिका हुआ है, आप आते ही नहीं तो ये टिकता कहां से? लकड़ी लगाई मेरे गिरिराज टिका है। अब पानी नीचे से आ रहा है, बोलते अनंत भगवान की हो। अनंत जी ने गिलोंडा लगा दिया और फूंक लगा दे, जो इंद्र वर्षा करे एक ही फूंक में पानी जला दे। ये तो कथा ये है कि अनंत भगवान ने फुंकार से सारे पानी को जला दिया। दूसरी एक कथा और आती है पुराण में, एक बार दशरथ जी की पुण्यतिथि आई, श्राद्ध आया, श्राद्ध अभी क्या चल रहा है बोलो? श्राद्ध पक्ष चल रहा है, श्राद्ध भगवान राम ने पिता का किया, बोलो। तो सीता जी कह गए राम जी से, भगवान कल आप मेरे ससुर जी का श्राद्ध है, आपके पिताजी का श्राद्ध है, मैं सारी अयोध्या के आबाल वृद्ध जनों को भोजन कराऊंगी श्राद्ध के समय। भगवान राम ने कह दिया सीता देख श्राद्ध के अंदर तो एक ब्राह्मण को या तीन को करा दे या आठ को करा दे, आठ से अधिक नहीं, ठीक समझ लेना भाई, आठ से अधिक श्राद्ध में भोजन नहीं। आठ कब कराना है, तीन कब कराना है, एक ब्राह्मण को भोजन कब कराना है, ये भी समझ लेना। आठ कराते हैं जब पितरा मिलन होता है, दो वर्ष के बाद उसको पारण श्राद्ध देते हैं, मारवाड़ी में अपने उसको पितरा मिलन देते हैं, मरने के दो वर्ष बाद होता है, उसमें आठ ब्राह्मणों को कराओ। एक होता है वेसा, जैसे चेत का महीना पंचमी को कोई गया दादा पिता, वो चेत का महीना आवे उस तिथि दादे दे पिता की आवे उस दिन ये कोई कराओ। और पितृपक्ष आवे में पितृपक्ष की पांचों सातों कोई दादे दे की कोई पंद्रह तिथियों हुए थी, वो पितृपक्ष में तीन ब्राह्मण या एक ब्राह्मण तुम्हारे पास शक्ति बहुत है, श्राद्ध में विस्तार मत करो। घर में तीन ब्राह्मण हो या एक हो, अरे ज्यादा भोजन कर रहा है बोलो ना, घर में नहीं, घर में तो तीन ही कर रहा है, और तुम्हारे श्राद्ध में ना ज्यादा भोजन कराने की इच्छा हो श्राद्ध के समय तो बोलो लो दीन दयाल थाली। कल परसों से जा गया दीन दयाल थाली हॉस्पिटल के पास, हमारे काशी राम जी राधे श्याम जी साडा साडा परिवार सब आप छुटे हो, उसमें करा दिया, घर में नहीं। घर में क्या है कि वो तीन बेटे एक दूसरे के स्पर्श नहीं करे, साथ में बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है, यदि एक दूसरे के स्पर्श हो गए पैर से तो श्राद्ध की प्रक्रिया
जटिल है वो थोड़ा समझना। मैं जानता हूं, मैं बताऊंगा आप मानोगे नहीं, इस बात को मैं जानता हूं, क्योंकि साथ करना बड़ा कठिन है। लेकिन व्यास कहते हैं पर बेटा बता मेरा काम है, करो आप सच्चे में सगा मेरी तरफ से शुरू कर। मैं अब मेरे सामने पुस्तक पड़ी है, भागवत पड़ी है, व्यास कहते हैं पर बेटा हूं, नहीं बताऊं तो पाप किसको लगेगा, मेरे को लगेगा, जो लिखा है उसे सही बताऊंगा। एक आदमी ने कुआं खोदा, ध्यान देने के सुना, कुएं में पानी निकल गया। एक अंधा व्यक्ति रास्ते में कुआं है, उस कुएं के सामने चल रहा है, एक आंख वाला देख रहा है, अब विचार करना। अंधा व्यक्ति चलता कुएं में गिर जाएगा, क्या उस पर आत्मा का दोष लगेगा? या जिसने कुआं खोदा है अंधा गिर गया, क्या कुआं खोदने वाले को पाप लगेगा? या जो आंखों से देख रहा है कि अंधा कुएं में गिर जाएगा वो बताएगा नहीं, तीनों में किसको पाप लगेगा? बोलो ना, जो आंखों से देख रहा है और बता नहीं रहा है। मेरे सामने भागवत पड़ी है, श्राद्ध का प्रकरण चल रहा है, यदि नहीं बताऊं तो पाप मेरे को लगेगा। साध के अंदर बहुत सावधानी रखो, साध के अंदर तुम चने की दाल का प्रयोग मत करना। कोई भी चने की दाल तुम साध के समय ब्राह्मण को खिला दोगे तो तुम्हारे पितरे से स्वर्ग नहीं मिलेगी। साध में दूध फाड़ करके कोई चीज जैसे खीरमा रसगुल्ला चमचम तुम खा लेना, पितरों को नहीं मिलेगा। श्राद्ध में केला मत लाओ, घर में केला मत देना, पितरों को नहीं मिला है। श्राद्ध में सबसे बढ़िया भोजन है सफेद दाल काली रोटी का, समझ गए ना? सफेद दाल होगी खीर, काली रोटी होगी मालपुआ, बोलो बोलो उसका भोजन कराओ। श्राद्ध में दही जरूर दो, श्राद्ध के अंदर महाराज उड़द की दाल जरूर बनाओ, पति का श्राद्ध हो तो पत्नी पति के श्राद्ध का भोजन कर सकती है, पति का प्रसाद मांगना का है। पति के श्राद्ध का भोजन पत्नी को जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो तो पति का प्रसाद है। लेकिन पत्नी का श्राद्ध हो किसी की पत्नी ने पहले चली जावे और उसका श्राद्ध हो तो पति को कभी भी उसका श्राद्ध नहीं खाना चाहिए। तो उसका श्राद्ध हमेशा चतुर्दशी तिथि में होता है, चतुर्दशी में, चाहे वो एक में मरा है चाहे पांचों में मरा है। लेकिन आत्महत्या दुर्घटना से मरने वाले का श्राद्ध राम जी ने कह दिया मैं या श्राद्ध के बाद में घर में लाके क्या करा दे,
तो सीता जी कहती है एक को तो मैं जोर का खावे उसको कराना चाहती हूँ, भगवान नूता ऐसे ब्राह्मण को दो अधिक खावे। राम जी कहते अधिक खाने वाले को नूता तो दे दूंगा, रसोई तो बना देगी ना, भोजन तो करा देगी ना। सीता जी कहती है एक को तो मेरे हाथ से खिला दूंगी। राम जी गए अगस्त्य ऋषि के पास, सावधान किसके पास गए, अगस्त्य जो एक अंजलि में समुद्र का पान कर दिया था। अगस्त्य को जाके कह दिया अगस्त्य जी सीता जी की इच्छा है आपको वो कल भोजन कराएगी। अगस्त्य ऋषि कहता है अरे राम मेरे को किसी ने याद तो किया, लेकिन राम करना एक काम सीता को कह देना थोड़ी रसोई भी बोलो ना, हाँ थोड़ी टंकी बनावे ज्यादा बनावे। राम जी कहते हैं रसोई की चिंता मत करो, सीता जी बोले नहीं। राम जी ने आके सीता को कह दिया सीता कल पिताजी के श्राद्ध में ब्राह्मण ज्यादा खाने वाला लगेगा, अच्छी तरह से बोलता एक को मैं बना, अरे ज्यादा खाएगा ठीक बनाना रसोई। हाँ महाराज सीता जी ने 100 व्यक्तियों की रसोई बनाई कितना खाएगा। अगस्त्य जी आ गए, राम जी ने चरण धोए, एक बात सुन ले लेना श्राद्ध का दिन हो तो तुम घर में ब्राह्मण बुलाना उसका चरण जरूर धोना, और चरण धोते समय ये भाव रखना कि ब्राह्मण का नहीं है मेरे पिता का या दादी का है जिसका श्राद्ध हो ये सोच के चरण धो, चरण धो। राम जी ने धो दिए, अब राम जी विचार करते हैं अब तो अपने अंदर चलो सीता जाए सीता राम। हाँ सीता जी ने आसन लगा दिया पट्टा ला दिया, अगस्त्य ऋषि बैठ गए 10 व्यक्तियों का थाल में भोजन लाई, चाहे क्या कितना खाएगा। अगस्त्य ने 2 ग्रास में भोजन थाली खा ली, 3-4 बार में तो सारी रसोई खत्म। सीता जी ने घबरा के भी गणेश जी का स्मरण किया, हे गणपति कोई लाज रखेगा। हाँ गणेश जी बट्टी के आगे बैठ गए, रीति सीधी पूड़ियां बट रही है, गणेश जी रसोई बना रहे हैं, सीता जी अगस्त्य देव की पुरस्कारी कर रहे हैं। 3 दिन 3 रात हो गई, सीता जी महाराज थक गई, कमर दर्द करने लग गई। सीता जी कहती है अगस्त्य से महाराज जी भोजन तो आटी टिका जैसा पानी पीने से ही है। अगस्त्य कहता है सीता डिटा आएगा तो ना बोलो ना राम जी के पास गए भगवान, गणेश जी तक गए, सीधी तक गई, आप थोड़ा पानी पी लो ताकि गणेश जी आगे रसोई बनावे ऋषि बनावे। राम जी आए, भगवान सीता की इच्छा है थोड़ा पानी पी लो, अगस्त्य ने कहा सीता पूरा भोजन नहीं करा सकी, राम तो पानी पिलाने दे दे पानी। राम जी सरियों से घड़े घड़े पानी भर भर के पिला रहे हैं, अगस्त्य पी रहा है, 3 दिन 3 रात हो गई अगस्त्य प्यासी नहीं मिटी। तो राम जी ने कहा भगवान अभी आपकी प्यास नहीं मिटा सकता, द्वापर के अंत में आपकी प्यास मिटाने के लिए गिरिराज को उठाऊंगा, इंद्र से भरोसा करके आपकी प्यास मिटाऊंगा। तो गिरिराज को उठाया उस समय बोलो ना अगस्त्य को उठाया है सूर्य भगवान देवी देवता रस्सियों से चमक रहे हैं, एक बूंद नहीं है। भगवान ने कह दिया देखो हमारी रक्षा करनी है, हमारी रक्षा किसने की बोलो, गिरिराज ने की, करो परिक्रमा सब बोले गिरिराज मैं तो तेरी शरण।
गिरिराज ने हमारी रक्षा की। इंद्र काम देनों को लेके आया, घबरा गया इंद्र, घमंड के अंदर काम तो कर गया, पहले ब्रह्मा जी के पास गया इंद्र, भगवान ने गलती हो गई, मैं क्या करूं। ब्रह्मा जी ने कहा तू गाय का पूंछ पकड़ ले और सीधा भगवान के पास राजा गाय को लेके। इंद्र काम देने को ले आया वो भगवान से क्षमा मांगने के लिए। भगवान ने कहा इंद्र मैं घमंड को ही खाता हूं। बोलो ना, तेरे को घमंड हो गया। ओ इंद्र कहता भगवान मैं तो स्वर्ग का राजा हूं, आपकी लीला ब्रह्मा जी नहीं जान सकते, तो मैं छोटा सा इंद्र क्या जानूं। काम देने के लिए भगवान ने मेरी इच्छा रख ली, आपके माथे पर मैं दूध का अभिषेक कर दूं। काम देने ने उस समय दूध का अभिषेक किया। आज भी गिरिराज में जाके देखना हो, प्रतिदिन 20-30 मण दूध वहां पर चढ़ता ही है, अभिषेक होता ही है, क्योंकि काम देने ने किया। ऐसे भगवान 8 वर्ष के हो गए हैं। कितने वर्षों के बाद सुनने में बैठे हो, बोलो बोलो, सवा सौ 8 वर्ष की तेरी कला चालू हो गई। 8 वर्ष में अदृष्टि कला, कौन सी कला तेरी? 16 कला पर कथा हो रही है, तेरे तक पहुंच गए अदृष्टि कला। 8 वर्ष में भगवान ने वृंदावन में बांसुरी बजाई। कहते हैं उस समय गोपिकाएं कोई काम कर रही थी, काम करना भूल गई, कोई काजल निकाल रही थी, काजल का एक काम में डाल दिया, दूसरे में डालना ही भूल गई, कोई कपड़े पहन रही थी, आधे कपड़े पहने आधे गई, बोलो ना बांसुरी बजाते गई, भाग गई जंगल में कृष्ण के पास। कोई पति को भोजन करा रही थी, पति के आगे थाली रखने वाली थी, बांसुरी सुन गई, थाली को उठा के ले गई, बेचारा पति देखता ही रह गया। कोई आटा गूंथ रही थी, हाँ बांसुरी बजाते आटा हाथ लगा बराबर पड़ा आटे से ही, हाँ मैं नहीं हुई दौड़ी दौड़ी चली गई। कोई गाय के गोबर का लेपन कर रही थी, गोबर उठा के चली गई बांसुरी सुन गई। ये काम विकास की कथा नहीं है, काम नाश की कथा है। यदि काम विकास की कथा होती तो गोपिकाएं श्रृंगार करके जाती। गोपिकाओं के हाथ में आटा, बोलो ना गुगुवर, सारी आधी रात में पहुंच गई यमुना के किनारे कृष्ण के पास। भगवान कृष्ण ने गोपिकाओं को देखा, स्वागत गोपी का गाऊं,
ये आधी रात का समय है, कोई पतियों को छोड़ के आई हो, कोई बेटों को छोड़ के आई हो, कोई माता पिताओं को छोड़ के आई हो, मैं ये आधी रात का समय है। गोपिकाओं तो मैंने पतिव्रता नारियों की कथा नहीं सुनी है क्या? गोपिका कहते हैं भगवान सुनिए, मैं आप ही सुनाऊं। यहाँ गोपिकाओं को भगवान कृष्ण ने पतिव्रता नारी की कथा सुना रही है। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी कथा है, भगवान सुना रहे हैं। गोपिकाओं, एक पतिव्रता नारी थी, गोपिका कहते थे ठीक, उसका पति हमेशा यज्ञ करता था, होम करता था। गोपिका कहते फिर क्या हुआ, एक दिन वो रात्रि के समय काम से घर आया, काम करके तो गर्भवती बैठी हुई थी और वो थका था, आकर के अपनी पत्नी की गोद में माथा लगा के सो गया। और पत्नी ने थके हुए पति को ऐसे बोलो ना, माथे को ऐसे सुबाने लगी, नींद आ गई पति को। गोपी क्या कहे कि फिर क्या हुआ, इधर उस पतिव्रता नारी के सात आठ महीने का बच्चा था, वो ऐसे घुटनों के बल से जहां मन हो रहा था वहां पहुंच गया। फिर भी उस पतिव्रता नारी ने पति की सेवा नहीं छोड़ी, ऐसा मन में गया कि बच्चा ही गिर जाएगा, मन में जल जाएगा, वो तो पति की सेवा ही करती थी। गोपी कहे कि फिर क्या हुआ, फिर वहां क्या बच्चा खड़ा, और खड़ा होते ही महाराज अग्नि के अंदर हवन कुंड के अंदर गिर गया, जल गया, मर गया। गोपी कहे कि फिर क्या हुआ, फिर उस पतिव्रता नारी ने पति को सजाया नहीं, बिचारी ने अब बच्चा तो मर गया, लेकिन पति को नींद से कैसे जगाऊं। भगवान कहते हैं फिर क्या हुआ, कहा क्या घंटा दो घंटा में पति जगा, तो पहले पति को ये नहीं कहा कि आपका बच्चा मर गया, कुछ नहीं कहा, पहले क्या पति ने भोजन करो, सभी के भूखे हो। हाँ, गोपी क्या कहेंगे को भगवान कृष्ण कह रहे हैं, उसने पति को भोजन कराया और कहा कि आपका बेटा मर गया, फिर कमरे में ले जाके पलंग पर सुलाया, पैर दबाया, रात्रि में पति को नींद आई। उसके बाद वो पतिव्रता नारी गई हमने दीदी के पास, कुंड के पास हाथ जोड़ के कहा, हे अग्नि देवता, मैं सच्ची पतिव्रता नारी हूँ और मैंने पुरुष को भी स्वप्न में नहीं देखा है, तो आपके अंदर मेरा बच्चा गिर के मर गया, मेरा बेटा जिंदा जाना चाहिए। ऐसे कहते जटा हनुमान से उसका बेटा जिंदा निकल गया। ऐसी ऐसी पतिव्रता नारियां हो गई, जो पति को जगाया नहीं, बच्चा मर गया तो मर गया, ऐसी सेवा करती। तुम आइयो मेरे पास, पतियों को छोड़ चुके हैं, चले जाओ। गोपी कह कह कहते हैं भगवान ने ऐसी कहानियां हमको भी बताता है, बोलो ना। हाँ, भगवान ने भी आपके पति के बताने की कथा सुनाती है, आप सुनो। अब गोपी कह कह भगवान कृष्ण सुना रही है, ध्यान दे के सुनो। भगवान कहते हैं सुनो, अब भगवान ने पति के बताने की थी, भगवान का ठीक उसका नियम था, जब पति भोजन कर लेवे ना, उसी थाली का वो झूठा प्रसाद खाती। पति भोजन करता तो पहले से अपना डबल भोजन थाली में रख देती, और जब पति खा लेवे और बाकी के जा सके, बोलो ना, 12 बार 24 वर्ष हो गए। भगवान के कहते फिर गोपी का क्या हुआ, कहा भाई क्या, जब पति नौकरी करता था, उनके मालिकों ने उसको कहा भाई 2 महीने के लिए तुमको विदेश जाना पड़ेगा, तो घर आया, आकर के अपनी पत्नी से कहता भाई 2 महीने के लिए मैं तो विदेश जाऊंगा। तो पतिव्रता नारी रोने लगी, रो क्यों रही है, कहा मेरा नेम टूट जाएगा, मैं 24 वर्ष से आपका मुख देख करके आपकी थाली का भोजन करती हूँ, आप विदेश चले जाएंगे, मैं किसी शादी करूंगी।
किस जुग का प्रसाद खाऊंगी। पति बड़ा नारी के पति ने कहा रो मत, एक काम बताता हूँ तेरे को, दो महीने के लिए मैं तेरे पे एक मिट्टी का पति नकली बना के देता। बोलो ना क्या कहा, एक मिट्टी का पति नकली बना के देता हूँ, जय भोजन जमे थाली आगे रख दे देना, और उस नकली मिट्टी के पति में मेरी अनुमति कर दे देना, और उसके मुख में लगा के थाली में रख के बोलो ना वो प्रसाद वाले ना तेरे नहीं टूटेगा नहीं। भगवान कहते फिर गोपी का क्या हुआ, वहां क्या उसके पति ने नकली पति बना के पत्नी को दे दिया, पति विदेश चला गया, और पत्नी वो पूजा करके महाराज उस नकली पति मुख में लगा दे भोजन कर दे। दो महीने हुए, एक दिन नकली पति की पूजा कर रहे हैं, भगवान ध्यान से सुन रहे हो ना, भगवान के क्या सुन रहा, उसके घर का दरवाजा बंद था, और दो महीने से उसका असली पति आ गया, वो नकली पति की पूजा कर रही थी, दरवाजा खटकाया, भगवान जरा बताना ना, अब वो नकली पति की पूजा कर रही है, असली पति दरवाजा खटक रहा है, अब पूजा नकली के बीच में छोड़ के आवे या नहीं आवे, या नकली पति की पूजा छोड़ के असली पति के पास आ जाना चाहिए या नहीं आना चाहिए। भगवान के कहते हैं भाई गोपी का कहूं, जब असली पति आ जाना, नकली की पूजा छोड़ के असली के पास ले जाना चाहिए। गोपी का कहते हैं भगवान नंबर प्रश्न का उत्तर हो गया, ये सारे पति संसार के नकली हैं, उनको छोड़ के हम आपके पास असली पति के पास आए। हमारा मनोरथ पूर्ण कर, भगवान ने विचार किया गोपिकाओं का प्रेम कितना है, प्रेम का पता मिलने से नहीं लगता है, सुन रहे हो ना, प्रेम का पता हमेशा बिछड़ने से लगता है, वो मिलने से सुन के कैलाशी हरि कर दिया, कैलाशी हरि कर दिया, कैलाशी की याद बिछड़ने के बाद अभी तक सुन ना, मिलने से सबसे सही से बोलते हो, आपकी बहुत याद आई, आपकी बहुत याद आई। भगवान परीक्षा करने के लिए एक गोपी को लेके अंदर ध्यान हो गई, किसको लेके, एक गोपी कौन है, ये राधा है, वो भागवत के 18,000 श्लोकों में 335 अध्यायों में 12 स्कंदों में राधा का नाम नहीं आया। यदि राधा जी का नाम सुखदेव जी ले लेते, उनको 12 घंटे की समाधि लग जाती थी। अब विचार करो, राधा का नाम ले ले आज 5वें दिन और 12 घंटे की 24 घंटे की समाधि लग जावे, तो आगे की कथा कौन सुनेगा, परीक्षित को मुक्त कौन करेगा। इसलिए राधा का नाम नहीं लिया, एक गोपी के लिया आजकल तो महाराज पति का काम बोलो ना, बातों का बात में रावल, ओ रावल आए, पति का काम गुप्त, कई चीजें गुप्त होती है, उसको प्रकाशित मत करो, आयु विविधता विलक्षणता, एक तो आयु को प्रकाशित मत करना कि इतने वर्ष का हो गया, आयु विदितम गृहे छिद्रम
घर की लड़ाई को भी गुप्त रखना। हाँ, प्रकाशित करने में फायदा नहीं है। तुम जाके कह दोगे मेरे लिए बहू ये कह रही है, भाई सास ये कह रही है, देरन ये कह रही है, जेठन ये से कह रही है, मारा फायदा नहीं है और कलह झगड़ा बढ़ने का ही है। आयु इतना अंग्रेज चिदम औषधि तुम दवाई ले रहे हो ना, वो भी गुप्त रखो। किसी से यह मत कहना कोई कहता है 18 गोलियां ले रहा है, कोई कहता है दिन भर 25 गोलियां ले रहा है, ना ना ले रहे हो लेते रहे हो, बस बताओ मत। एक किसी को रोग मत बताओ, मेरे लिए रोग लग गया है वो तो केवल डॉक्टर को ही पता है तुमको, बताओ। एक गुरु का नाम मत बताओ, बार बार पूछने से बताओ। पति का नाम बताओ, पूछने से बताओ। तो राधा जी गुरु थी, अब वो गुरु मंत्र का लिया शंकर जी कि राधा जी सुखदेव जी की गुरु कैसे हो गई। एक बार राधा कृष्ण गोलोक के अंदर विहार कर रहे थे और दोनों बैठे हुए थे राधा कृष्ण, एक तोता बैठा हुआ था। तोता बोल रहा था राधे 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 राधे। राधा जी ने विचार किया ये मेरा नाम भगवान के सामने ले रहा, भगवान का तिरस्कार हो रहा है, इसको भगवान का नाम लेना चाहिए। तो राधा जी ने तोते के माथे पर हाथ रख के कहा बिट्टू राधे नन कृष्ण बोल। बस उसी समय सुखदेव जी ने बोलो ना ये कृष्ण नाम राधा जी से ले लिया माथे पर, इस नाम ने नहीं लिया। अब राधा को गोपी को क्या घमंड आता है कि सबसे सुंदर मैंने लगी, मेरे को लेके भगवान अंदर ध्यान हुई। अब उसको नखरा रहा है कब बन में तो थक गई, ये राधा और सीता दोनों में एक ही है, इनमें फर्क नहीं है। हाँ, राधा सीता दोनों आद्य शक्ति है, लेकिन थोड़ा दोनों में अंतर है कि राधिका जी भगवान कृष्ण की प्रेमिका थी और सीता जी राम जी की सेविका थी, है दोनों एक प्रेमिका है एक सेविका है। सीता जी 14 वर्ष तक जंगल में रही, लेकिन भगवान से कभी यह नहीं कहा मैं थक गई हूं। सीता जी ने कभी भगवान से यह नहीं कहा मेरे पैरों में कांटे लग रहे हैं, लेकिन राधिका के लिए मैं थक गई हूं। बोलो, अरे एक बात तो सुन लेना, सीता जी सेविका थी, ज्यादा तक नहीं भगवान का चरण दबाती रही, एक दिन चरण दबा नहीं बोली। राधिका जी प्रेमिका थी, ज्यादा भगवान राधिका के पास से तब तक राधा का चरण दबाते रहे। हाँ, भगवान कृष्ण राधा का चरण दबाते हैं, क्योंकि प्रेमिका प्रेम में व्यतीत नहीं होता। एक ब्रजदासी देख रहा है, तीन दिनों से महाराज वृंदावन में महात्मा घूम रहा था, तो ब्रजदासी ने देखा ये रात्रि में महात्मा घूम रहा है, कौन है? महात्मा के पास आए क्या महाराज, आप तीन रात में दिन रात गलियों में घूम रहे हो, क्या देख रहे हो? महात्मा ने कहा, अरे भाई हमने सुना है वृंदावन के अंदर रात्रि के समय कहीं भगवान कृष्ण का दर्शन होता है, मेरी दर्शन करने की इच्छा है। तो ब्रजवासी ने कहा, सीने के कुंज गली में चले जाओ, दर्शन हो जाएगा। कैसे होगा? वहां पर एक स्त्री सोई हुई है, अरे एक पुरुष बैठा उसका चरण दबा रहा है, सोई हुई स्त्री राधिका है, चरण दबाने वाला कृष्ण, दोनों का दर्शन हो जाएगा, दोनों का, क्योंकि वो प्रेम का। तो कह रही है मैं थक गई, भगवान के कहते मेरे पीठ पर चढ़, ज्योय गोपी राधा पीठ पर चढ़ रही है, भगवान अदृश्य हो रहे हैं। अदृश्य कला कौन सी कला है? अदृश्य दिखना बंद हो गया, धड़ाम से नीचे चल गई, आगे देखा कृष्ण नहीं है, वो गोपी कह लताओं से आकाश से
जो बच्ची हुई है चंद्रमा से पूछ रही है कहीं कृष्ण दिख रहा है तो बताओ। उस गोपी को देखा और देख करके कहा बहन गोपी तेरे को तो देख के भगवान अंतर्यामी हुए थे। कहा वो गोपी कहती है मेरे को अकेले छोड़ के चला गया। सारी गोपिकाएं रात्रि के समय के अंदर यमुना किनारे आई, भगवान को बुलाने के लिए ये गीत गा रही है। इस गीत का नाम है गोपी। भागवत की कथा तो सुनना, गोपी की गीत सुना करो। गोपी गीत जिस कथा में होता है कन्हैले को आना पड़ता है, जिस पुष्प में सुगंधि होती है भंवरे को जाना पड़ता है, और जिस कथा में गोपी की गीत होता है तो भगवान भक्तों को दर्शन देने के लिए आए ही जाते हैं। गोपी की गीत जायते देविकां जन्मना प्रद हरे गौरक्षण
जनातियान वीर यो सीता दे जनस्माया दान सनस्मिता बाजा सखे भवत इनके कृष्णनो जल रुवाना चारों दर्शया जयति देवताम जन्म ना व्रज शरत इंदिरा सस्वदत्रहि सुना बृंदिर छया मधुरया गिरा पलकु वाक्यया बुध मनो गया ओस्कर छया दिधि करीर मा वीर मोयती रदर सीतुना पाय यस्वना कव कथामृत जयति देविता जन्मनाथ श्रयतरही। ऐसे महाराज गोपिकाओं ने यमुना के नाभि पर 19 श्लोक का ये गोपी गीत गाया है। इसमें बड़ी बड़ी व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग किया है। हरे कृष्णा अब आना है तो आजा, नहीं तो तेरी बिगड़ तेरी प्राण प्यारी गोपिकाएं ऐसे तड़प तड़प के मर जाएगी जैसे जल के बिगार मछलियां तड़प तड़प के मर जाती है। अरे तेरे को मारना था तो अंगा सुनाया था वो मार देता, क्यों बचाया हमसे काली नाक से क्यों बचाया, इंद्र वर्षा कर रहा था तुमने क्यों गिरिराज उठाया, हम तो इसी मर जाती। अब आना है तो आजा, नहीं तो तेरी प्राण प्यारी गोपिकाएं जल में डूब जीवें कूदने लगी। और भगवान कृष्ण ने विचार किया मेरी प्राण प्यारी गोपिकाएं अब बच नहीं सकती, उनको बचाने के लिए गोपिकाओं के बीचों बीच वो देख कृष्ण चंद्र भगवान की भगवान प्रकट हो गए। अब कोई गोपी उसी समय हाथ पकड़ रही है, कोई पांव पकड़ रही है, कोई गुंगराल बाल पकड़ रही है, कोई पीतांबर पकड़ रही है। हाँ, जो गोपी पीठ पर चढ़ने वाली थी उसने कान पकड़ लिया, क्यों रे हमको अकेली को छोड़ के चला गया। भगवान कहते हैं गोपिकाओं तुम्हारा प्रेम का पता लगाने के लिए मैं अंतर ध्यान हुआ। प्रेम का पता मिलने से नहीं, बोलो प्रेम का पता बिछड़ने से मिलने से। सब कहेंगे दामोदर जी तारी याद होता भाई, अरे याद तो दामोदर जी बिछड़ने से आवे तब प्रेम है, मिलने तो सब ऐसे कहते हैं। यदि गोपिकाओं में नहीं बिछड़ता तो हमारे प्रेम का पता कैसे लगता है। भगवान के को गोपिका ये कहती है भगवान हमारे साथ रास करो। बहुरूपणी कला बोलो ना, तेरी कला आ गई है भगवान की, कितनी कलाओं की कथा सुनने बैठे हो, 16 की। तेरी कला का नाम है बहुरूपणी कला, गोपिका ये अनेक है कृष्ण एक है। सुखदेव जी कहते हैं उस समय भगवान ने बहुत से रूप धारण किए, एक दो गोपी एक कृष्ण, दो गोपी एक कृष्ण, दो गोपी एक कृष्ण, ये बहुरूपणी कला। अब कामदेव भी आ गया गोपी बन के, ये रास क्यों की। एक बार कामदेव शंकर जी के पास गया
भगवान शंकर की समाधि तोड़ाने के लिए शंकर जी ने क्या किया, तीसरा नेत्र खोला, कामदेव को भस्म कर दिया। अब कामदेव कहता है भगवान आप शंकर के रूप में थे, एकांत में बैठे थे, तीसरा नेत्र खोल के मेरे को भस्म किया, मैं आपको अच्छे तक कब जानूं कि आप दो आंखों से स्त्रियों के बीच में और मेरे को भस्म करो। था एक बात आपको बता देता हूं, दो आंखों से काम का विकास होता है, काम का नाश नहीं होता है। दो आंखों से तुम हम ज्ञान वो काम को मार ही नहीं सकेंगे, काम को मारना है तो तीसरा नेत्र खोलना पड़ेगा। ये तीसरा नेत्र क्या है, ज्ञान ही तीसरा नेत्र है। जब तक ज्ञान रूपी नेत्र नहीं खुलेगा तब तक काम का विकास होगा। ये ज्ञान रूपी नेत्र कहाँ मिलेगा, सत्संग में, सामर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। Oh, my God.
सत्संग करोगे तो तीसरा नेत्र खुलेगा। दो आंखों से काम का नाश नहीं, दो आंखों से हमेशा काम का विकास है। काम को नाश करना है, तीसरा नेत्र खोलो। और भगवान ने कामदेव को कह दिया, ले मैं दो आंख वाला हूं, और स्त्रियों के बीच में हूं। कामदेव ने काम के बाण लगाए, फिर भी भगवान के विकार नहीं आया। कामदेव विचार कर रहा है कहीं रात छोटी नहीं हो जाएगी, बरसों की रात पड़ाई है वहां, बरसों की, जहां भगवान ने गोपिकाओं के साथ रास लीला की है। सावधान, ये बहुरूपणी कड़ा है। कौन सी कड़ा, संख्या कौन सी है, 13वीं, इसका नाम क्या है, 16 कड़ाओं में बहुरूपणी कड़ा। जहां भगवान रास कर रहे हैं वहां रात्रि बड़ी है, लेकिन गोपों के घर में बड़ी नहीं है, वो तो सुरदोषी समय हो रहा है। भगवान गोपिकाओं के साथ रास कर रहे हैं, तो इधर गोपों के घर भगवान स्वयं गोपी बने हुए गोपों का चरण दबा रहे हैं, यह बहु रूपणी का। गोपों के घर भगवान स्वयं रोटी बना रहे हैं, गोपों के घर भगवान स्वयं वैसी गोपी बनके ओढ़ना ओढ़ी, वैसी बोली, वैसी चाली, बोलो, झाड़ू निकाल रहे हैं। और इधर गोपिकाओं के साथ कृष्ण रूप में रास कर रहे हैं, यह है बहुरूपणी कला। अंतोगत्वा कामदेव संग्राम छोड़ के भग गया। ये गोपिकाएं वेदों की श्रुतियां थी, ये रामावतार में अयोध्या की कवारी कन्याएं थी, राम जी को स्वप्न में दिखी एक बार, भगवान हम आपको पति बनाएंगे। भगवान ने कह दिया मैं मर्यादा पुरुषोत्तम, अभी एक पत्नी अपनाने वाला। हाँ, द्वापर के अंत में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। कहते हैं वो अयोध्या की कन्याएं कवारी मर गई, और तपस्या करके दूसरे जन्म में गोपिकाएं बन गई। भगवान ने मनोरथ पूर्ण किया, भगवान 9 वर्ष के हो गए। कितने वर्ष के, कितने वर्षों की कथा सुनने बैठे हो, बोलो, 125 वर्षों की। कितनी कड़ाओं की कथा सुनने बैठे हो, बोलो, 16 कड़ाओं की। पूरी सुनना हो, पूरी 125 वर्षों की कथा होगी। 9वें वर्ष में शिवरात्रि आई, भगवान शिव जी का भगवान ने पूजन किया गोपों के साथ। एक बात बताऊं आपको, शिव जी की पूजा देवता भी करते हैं, दैत्य भी करते हैं, मानव भी करते हैं, दानव भी करते हैं, भूत प्रेत पिशाच भी करते हैं, ब्रह्मा जी भी करते हैं, विष्णु जी भी करते हैं, राम जी भी करते थे, और कृष्ण जी भी करते हैं। क्यों, और देव है शिव जी, बोलो ना, महादेव है। शिव जी का मंदिर तुमको हर जगह मिलेगा, विष्णु जी का नहीं मिलेगा अपना। हाँ, शमशान में भी शिव जी का मंदिर, शमशानेश्वर, पिंपल के नीचे भी शिव जी होंगे ना, तो वहां मंदिर का नाम होगा पिंपलेश्वर। हाँ, सड़क पर शिव जी का मंदिर होगा ना, तो नाम पड़ जाएगा सड़केश्वर। बोलो, शिव जी की पूजा क्यों करते हैं, शिव जी की पूजा, जो शिव जी के टाट है वो कोई 33 करोड़ देवता में टाट नहीं है, स्वयं महेश है, सुश्रो नगेश है, सखा धनेश है, सदैव गणेश है। कहते हैं स्वयं भगवान महेश और भगवान शंकर का ससुरा है, ऐसा ससुर किसी के नहीं है। भगवान शंकर के ससुर का क्या नाम है, हिमालय। हिमालय के पास क्या रहता है, बोलो, हीरा बन्ना माणक मोती। आप विचार करो, जिस घर में शिव जी की पूजा होगी, बेटी का घर पिताई का खाली आताएगा, जवाई के घर ससुराई का खाली आताएगा। ससुर के पास क्या है, हीरा, हिमालय के पास। महाराज, जहां शिव जी की पूजा होती है, देख लेना, हीरे पुण्य की कमी नहीं है। विष्णु जी की पूजा करने वाले के गले के अंदर तुलसी जी की माला, और शिव जी की पूजा करने वाले के गले में रुद्राक्ष सोने की माला, देख लेना।
की हिमालय आता है। शिव जी का मित्र कुबेर है, अब मित्र के घर मित्र आएगा, शिव जी की पूजा होगी, वहां कुबेर आएगा, कुबेर आते ही खजाना भर देगा। ऐसा था कोई देवता के शिव जी ये दो बेटे हैं, एक 33 करोड़ देवताओं का सेना का सेनापति बन रखा है, तो दूसरा उसकी अग्र पूजा हो रही है गणेश जी, और जहां शिव जी की पूजा होती है वहां गणेश जी आ जाते हैं, तो बोलो ना कोई भय बाधा नहीं। और शिव जी के पोते हैं ऐसे किसी के पोते हैं क्या? वो शिव जी के पोतों का क्या नाम? शुभलाभ। शिव जी के बेटे की बहू है ऐसे किसी के बेटे की बहू है क्या? गणेश जी की पत्नियों का क्या नाम? रिद्धि सिद्धि। शिव जी की घरवाली है ऐसे किसी की घरवाली है क्या? शिव जी की घरवाली का नाम अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकरा प्राण बल्लवे। अब विचार करो जिस घर में शिव जी की पूजा होगी अन्नपूर्णा आके भंडार भर देगी, गणेश जी आके बाधा मिटा देगी, रिद्धि सिद्धि तुम्हारे घर आ जाएगी, शुभ लाभ तुम्हारे घर आ जाएंगे, कुबेर आके तुम्हारे घर का खजाना भर देंगे, हिमालय आके हीरा पन्ना माणिक मोती दे देंगे। आजकल लोग वास्तु के पीछे पड़ गए, दादे परदादों का बड़ा हुआ मकान फोड़ा देते हैं। मैंने बहुत वास्तु का अध्ययन किया और अध्ययन करके एक ही सार निकाला, जिस घर में तुलसी जी रहती है, जिस घर में शंकर जी की पूजा रहती है, उस घर का वास्तु हमेशा अच्छा रहता है। शिव जी की पूजा। और इतना ही नहीं, अब देखो शिव जी का घर देखोगे लड़ाई से परा है, अरे फिर भी लड़ाई नहीं। शिव जी बैल पर बैठते हैं, पार्वती कहां बैठती है? सिंह पर। सिंह और बैल एक जगह रह सकता है? देखो शिव जी के घर है, सिंह के मत नहीं बैल को कुछ कह दे। शिव जी के गले में सर्प है, गणेश का बाण कौन है? चूहा। कह देखा सर्प और चूहा एक घर में एक जगह? महाराज सर्प की हिम्मत नहीं कि चूहों को कुछ कह दे। कार्तिक स्वामी का बाण मोर है, मोर सर्प को 5 मिनट में मार दे, लेकिन शिव जी के छत्र साया में मोर की हिम्मत नहीं है कि सर्प को कुछ कह दे। जिस घर में शिव जी की पूजा होती है ना, उस घर में कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता, और जिस घर में झगड़ा नहीं होता उस घर में विष्णु लक्ष्मी को आना ही बोलना आना पड़ेगा। एक गृहस्थी का ध्यान देना, सासु थी, बेटा था, बहू थी, एक महात्मा आ गया, तीनों बैठ गए। माता से कहा महाराज सास बोलती है घर में शांति रहे ना, ऐसा उपाय बताओ। महात्मा ने कहा शांति रहे तो शिव जी की पूजा करो भाई, घर में शांति रहेगी। कहा नहीं महाराज सासु को मैं प्रेम हो जाओ ऐसे उपाय बताओ। तो महात्मा ने कहा सासु को मैं प्रेम हो जाओ तो सास को सवेरे 4 बजे उठ जाना चाहिए। बहू पास में बैठी है, सास कहती है महाराज सास 4 बजे उठ के क्या करे? उठ के करे क्या? झाड़ू लेके घर में झाड़ू निकाले। तो ये बहू क्या करे? कहा बहू झाड़ू देखते कह दिया सासू जी आपने तो झाड़ू बहुत निकाला, मैं निकालूंगी। और सास के देने भी नहीं, तेरे को आगे बहुत निकालना है, थोड़ा मैं निकाल दूं, सास बहू में प्रेम हो जाएगा। महात्मा चला गया, सास के कुंडा लगी, देखती हूँ गुरु जी की बात बहू के कितनी लगी है। कल सवेर में 4 बजे उठूंगी, हाँ झाड़ू घर में निकालूंगी, मेरी बहू मेरे से झाड़ू छीनेगी क्या? देखती हूँ महाराज जनवरी का महीना था, माघ का, सर्दी बहुत पड़ रही, सास उठ गई 4 बजे, बोलो ना झाड़ू निकाले। और बेटा बहू तो रजाई में पड़े हैं, झाड़ू छीने को विचार करती है, देखो झाड़ू निकाल रहा हूं तो कोई छीनेगा ही नहीं, तो सारा मेरे को ही निकालना पड़ेगा। अब कुंटा लगी हुई थी, बेटा बहू जा सोए हुए थे उस कमरे के पास गई, जगाऊं ऐसे झाड़ू की मारी गई दरवाजे पर, बहू तो जगी नहीं, बेटा जग गया, दरवाजा खोला, देखा माँ झाड़ू निकाल रही है। बेटा भी कलकत्ता सुन रहा था, अरे महात्मा ने कहा सास झाड़ू निकाली तो बहू को छीन लेना चाहिए, ये सोई हुई है तो मैं छीनू। माँ तुम क्या निकाल रही है? मैं निकालूंगा। माँ कहती है बेटा मैं निकालूंगी, बेटा कहता नहीं माँ मैं निकालूंगा, माँ कहती नहीं बेटा मैं निकालूंगी। दोनों माँ बेटे से जोर से बोले ना तो सोई हुई बहुत जगी और सुती सुती कह रही है झगड़ा किस चीज का हो रहा है? क्या बोली? बोलो
अरे झगड़ा किस चीज का हो रहा है? बेटा कहता है झगड़ा नहीं हो रहा है, माँ झाड़ू निकाल रही है। मैं कहता हूँ मैं निकालूंगा, और माँ कहती है मैं निकालूंगी, बहू कहती है तो इसमें झगड़ा और जोर से बोलने की क्या जरूरत है? एक दिन माँ निकाल देगी, एक दिन बेटा निकाल देगा। मेरी नींद आराम मत करो आप, ऐसे काम नहीं करता। सास के विचार करे, वो मेरी बेटी ससुराल गई, उससे अच्छी मेरे को बहू बेटी मिल गई, और बहू ये विचार कर ले उस माँ को छोड़ के आई, इससे मेरे को सास माँ अच्छी मिल गई। ये कब होगा? शिव जी की पूजा। भगवान ने दसवें वर्ष में बोलो ना मामे का भेजे हुए ब्रह्मासुर को मारा। 11वें वर्ष में भगवान कृष्ण 11 वर्ष और 47वें दिन अक्रूर जी के बुलाने पर मथुरा में गए, और वहां पर धोबी को मारा, दर्जी को दर्शन दिया, माली पर कृपा की, कुब्जा को तीन जगह से आटा थी सीधा किया, कुब्जा का मनोर पूर्ण किया, रंगशाला में जाकर के मामे कंस की चोटी को पढ़ करके मामे जी को भी बोलना 11 वर्ष 48वें दिन हरि ओम तत्सत कर दिया। ये मथुरा क्या है? कंस कौन है? ये मानव तभी तुम्हारा मथुरा, शरीर ही तुम्हारा मथुरा है, इसमें अज्ञान रूपी कंस बैठा हुआ है, अज्ञान को मारना है तो पहले कुब्जा तीन जगह से आटी थी, भगवान ने सिद्धि किया, ये कुब्जा हमारी तुम्हारी बुद्धि है, भगवान के तिलक लगाओगे बुद्धि सिद्धि हो जाएगी, अज्ञान रूपी कंस मर जाएगा, और अज्ञान मरते ही भगवान हमारे मन में 16108 मन की वृत्तियां हैं, जब तक अज्ञान रूपी कंस नहीं मरेगा तब तक मन की वृत्तियों का विवाह नहीं होगा। कल मन की वृत्तियों का विवाह करना है तो छठे दिन अज्ञान रूपी कंस को मार दो। कल विवाहों की कथा आएगी, माताओं बहनों बेटियों आप लोगों ने 5 दिन कथा नहीं सुनी है, कल छठा दिन है हमारी श्याम सुंदर का विवाह, ठाकुर का विवाह। लोगों के विवाह में तुम जोड़े से जाती हो, बोलो ना, कल कृष्ण के विवाह में जोड़े से आओ, कल कन्यादान करना है, कल गौ माता को कन्या बनाना है। हमने कहा ना गौ माता को माँ भी बना सकते हैं, गौ माता को कन्या भी बना सकते हैं। कल कन्या गौ का विवाह सांड के साथ होगा, बोलो ना, गौ साढ़े सांड भी है, संकल्प होगा कन्यादान में कुछ करना। आप लोग करो तो बता दूं, यदि तुम्हारी बेटी को घर पर अच्छा चाहिए, यदि तुम्हारे घर में टाट चाहिए तो महाराज कल कन्यादान में जरूर लाना, एक ऐसा लिफाफा मिलेगा, ऐसा देख लेना, ये आपको कथा में आते ही लिफाफा मिलेगा। कन्यादान में जो कुछ देना है लिफाफे में दे देना। और दूसरा विवाह होगा तो सांड को भी बोलो ना, जवाई को उड़ाया जाता है। माताओं बहनों पितृपक्ष चल रहा है, तुम्हारे पितरों के कल्याण के लिए कथा हो रही है, हो सके एक एक कम्बल ले आना, तो सारी गौशाला भेजेंगे, सर्दियों में बोलो ना गौ माता उड़ेगी। गायों के लिए साड़ियां बोलो ना, वो सारी गौशाला के कर्मचारियों को गौ को उड़ाएंगे, हाँ ओढ़ना लिया। कन्यादान ऐसा होता है जिसमें सब दिया जाता है, हैं? बड़ा भारी उद्योगपति हो ना, हाँ ऐसे उस बहुत लक्ष्मी जिसके पास है, करोड़पति अरबपति है, कोई लोहा देव ले लेगा क्या? लेकिन कन्यादान लेगा ना वो लोहे की अलमारी दहेज में जरूर लाएगा। देखो उसमें लोहा भी दिया जाता है कन्यादान में, ऐसे लोहा देवे। और शनिवार के दिन बोलो ना, कहते हैं शनिवार की बीनरी बहुत अच्छी आती है, और बीनरी साथ में लोहे की अलमारी लाती है, फिर भी रखते हो या नहीं बोलो, ये कन्यादान सबसे बड़ा दान। लकड़ी भी दी जाती है बोलो ना, पलंग भी देते हो, फर्नीचर भी देते हो, कपड़े भी दिए जाते हैं कन्यादान में, रजाई भी दी जाती है बोलो ना, तुआ भी दिया जाता है, चिमटा भी दिया जाता है, चक्कू भी बोलो, बर्तन भी। तो माताओं बहनों कल दहेज ऐसा लेना,
बर्तन भी ले आना महाराज, वो गौशाला में जाएंगे, गायों के लिए कुंडे ले आना वो गौशाला में जाएंगे, कन्यादान में तो सब लगता है, बाल्टी ले आना वो भी जाएगी, कम्बल ले आना वो भी जाएगी, और कपड़े लाओगे वो भी जाएगी, और महाराज नोग्रह लगे हुए हो लोहा जरूर ले आना, और कोई लोहा नहीं लेगा, लेकिन कल कन्यादान में सब कुछ दिया जाएगा, वो सारा गौशाला में बोलो ना, कम्बल कपड़े सबको ले आना, सकू नौग्रे शांत करना, सको भी गायों को लिए बोलना, कुछ कुछ काट के ला, जो लाना है कल ले आना, खूब अच्छा दहेज गौ माता को देना है कन्यादान में, और ये लिफाफा भी लेना है, और इसमें पत्रम पुष्पम तुम्हारी इच्छा हो वो गौ माता के लिए जरूर दे देना, बस कल की सूचना हो गई, और बड़ी सुंदर बरात भी कल आएगी, और विवाह भी अच्छा बताएंगे। आज समय हो गया थोड़ा, मेरे को कहा 15 मिनट पहले, संग भर के रखना चाहिए, किसी ने शंका की है कि संगर में पूर्व की तरफ उसका मुख हो चाहे उत्तर की तरफ हो, संग को खाली मत रखो, संग की हमेशा पूजा होती है, संग के पानी का ऊपर अभिषेक होता है, और शंख रहने से तुम्हारे घर में लक्ष्मी का निवास होता है, क्योंकि शंख लक्ष्मी का बड़ा भाई है, तुम्हारे घर शंख रहेगा तो राखड़ी पुण्य के दिन लक्ष्मी तुम्हारे घर आएगी, शंख रहेगा भाई दूज के दिन बोलो ना बहन तुम्हारी लक्ष्मी घर आएगी, शंख लक्ष्मी का भाई है, पूजा जरूर करनी चाहिए, रोज भरना चाहिए, हाँ रोज भरना चाहिए, और रोज ही उसकी पूजा करनी चाहिए। तो आइए बड़ी सुंदर गिरिराज जी की झांकी का दर्शन सब बैठे रहेंगे, मर्यादा मेरे ना एक सूचना दे रहा हूं, जब तक भजन बोले तब तक कोई उठना मत, फिर स्टेज मंत्री जी सूचना देंगे वो सुनना है, आरती करके जाना है, आज इस गिरिराज जी का झांकी का दर्शन करने वाले को कितना फल मिलेगा, जो कोई यहाँ से जतिपुरे तक पैदल जाएगा और जतिपुरे में गिरिराज जी का दर्शन करेगा 56 भोगों का, उसको जितना फल मिलेगा उतना ही आज तुम बैठे बैठे तुम यहाँ दर्शन करोगे, और हो सके गिरिराज जी को भी भेंट करना, वो भी तुम्हारी गौशाला में बड़ा सुंदर भजन गिरिराज जी का 56 प्रकार के व्यवस्था का गाते जाएंगे, बहुत विशेष कलिया लाल की अरम तो हम की है चरपो को हारो अरे सोई थाली में परोसियो श्याम
आगे का कार्यक्रम हमारे स्टेज मंत्री जी सूचना दे रहे हैं, फिर ध्यान से सुनना। आज के हमारे जो गिरिजाधरन के दर्शन आप कर रहे हैं, उनके हमारे एरिया के कॉर्पोरेटर दुर्गेश जी बेटे परिवार आए हैं और भविष्य में और तरक्की करें ऐसे ऐसे महाराज को आशीर्वाद देंगे। आज के 56 भोग के यजमान श्री दुनेश्वर जी पेठे परिवार के साथ में कृपया व्यासपीठ पर पधारे परम पूज्य महाराज श्री का अभिवादन करने के लिए आज के दिन के यजमान श्री गोपाल जी रमेश कुमार जी के रामदादा परिवार कृपया व्यासपीठ पर पधारे। श्री गोपाल जी रमेश कुमार जी रामदादा परिवार आज के दिन के यजमान व्यासपीठ पर पधारा के हैं। श्री दुनेश्वर जी पेठे परिवार के साथ में 56 भोग के यजमान श्री गोपाल जी रमेश कुमार जी रामदादा परिवार के साथ में जो आज के दिन के यजमान हैं। दैनिक प्रशासन के यजमान आज के श्री रामकृष्ण जी मुन्ना जी ओझा आज के दैनिक प्रशासन के यजमान श्री रामकृष्ण जी मुन्ना जी ओझा बेंगलोर से सदाधारी सौभाग्य वंदना दोनों जी बहु आज के प्रशासन सेवा के यजमान श्री श्रीनिवास जी काकाणी मूल पाठ के यजमान श्री नटवरलाल जी गोविंद जी पसारी राजेश काबरा श्री ब्रिज गोपाल जी दरक
फिर राकेश जी कटाने, फिर रामन जी बंसाली, फिर राजेश जी काबरा, फिर रज गोपाल जी दरा, फिर राकेश जी कटाने। देखो राकेश का दर्शन करने के लिए महिलाएं लाइन से जाएं, राकेश का दर्शन भी करें, आराम से जाएं। जिनको जाने का है वो उसी गेट से निकले बाहर, फिर आरती के लिए अंदर में आ जाए। आरती का करना हो तो 5 मिनट में आरती की झांकी का दर्शन करके आप उसी गेट से निकलिए। जिसको चढ़ावा चढ़ाने का है वो चढ़ावा चढ़ाइए, और ईटे के ऊपर में अभी हम जिनको बुलाएं वही आए, ईटे पे जिनको बुलाएं वही आए। श्री राकेश गटामी, श्री धर्म नारायण जी खंडेलवाल, श्री मांगीलाल जी शर्मा, श्री हरीश जी राठी, ये सभी श्री राधा कृष्ण उत्सव मंडल के कर्मठ कार्यकर्ता है। श्री नारायण जी सारडा, श्री प्रवीण जी सोनी, श्री ओम जी तोशनीवाल, श्री श्री किशन जी बियानी, श्री मनीष जी कयाल, श्री नंदू जी काबरा और श्री मधु जी नथानी, और श्री महेश्वरी युवक संघ की सभी कार्यकारिणी के साथ में सभी सदस्यों को, श्री बनवारी जी भूतड़ा अध्यक्ष, श्री महेश जी मुरलीधर जी बजाज सचिव, श्री महेश्वरी युवक संघ की सभी कार्यकारिणी, श्री हरी जी सोनी पांच प्रेसिडेंट, श्री महावीर मामू, श्री शैलेश भाईदी, श्री गोविंद झवर, श्री जितेंद्र महेश्वरी, श्री भरत बियानी, श्री कृष्णा मांधना, श्री कपिल कालानी, श्री नितेश भट्टर, श्री अंकित खेमानी, श्री रूपक भूतड़ा, श्री मांचल युवक संघ के ये सभी कर्मठ और जोशीले कार्यकर्ता है कार्यकारिणी के साथ में, श्री रूपक भूतड़ा, श्री सचिन सोनी, श्री भरत कालानी, श्री आदर्श सोनी, श्री शुभम मुरला, श्री अनुराग सारा, श्री आनंद सारा, अंकित मोहता, रोहित रामदर, गोविंद सोमानी, पुरुषोत्तम दारा, पुरुषोत्तम दारा, सलाहकार समिति के श्री सतीश जी बियानी, श्री राजकिशोर जी सारा, श्री नरेश जी पटिया। आज शाम रात्रि 7:30 से 10 बजे तक सुविख्यात भजन गायिका कृष्ण प्रिया जी इनके सुमधुर भजनों का कार्यक्रम इसी सभास्थल इसी कथा स्थल पर है। कृपया सब परिवार इष्ट मित्रों के साथ में अवश्य पधारें। रात्रि 7:30 से 10 बजे तक भजन गायिका कृष्ण प्रिया, नागपुर निवासी कृष्ण प्रिया सुविख्यात भजन गायिका, इनके सुमधुर भजनों का कार्यक्रम आज इसी कथा स्थल पर आयोजित है। सब परिवार पधारें। आज तक हमें जो मन से मन संचालन के रूप में जो एक माला के रूप में पिरोए रखा बांधे रखा, मैं ऐसे मन संचालक श्री भाई द्वारका प्रसाद जी बजाज को आमंत्रित करता हूं कि वे आकर स्वामी जी से आशीर्वाद लें। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है, कृपया आरती के लिए वे आप सतर्क और सावधान हो जाए। आरती के लिए कृपया श्री श्री गोपाल जी, रमेश कुमार जी रामदार परिवार, दैनिक यजमान आज के, श्री दुनेश्वर जी पेठे परिवार, छप्पन भोग के यजमान आज के, श्री रामकृष्ण जी और मुन्ना जी ऊर्जा दैनिक प्रसाद के यजमान, बैंगलोर से पधारी सौभाग्य वंदना विनोद जी बोस, श्री श्रीनिवास जी काकानी प्रसादी सेवा के यजमान एवं मूल पाक के यजमान श्री नटवरलाल जी गोविंद जी पसारी, और इसके साथ में इस श्रीमद् भागवत कथा के मुख्य प्रमुख यजमान तापड़िया जी परिवार। निरंजन पादाय नमः, ज्वालामालिनी नमः, रत्नेश्वरी नमः, सरोजरार्थे गंगाज पुष्पाणि समर्पयामि, नमस्करोमि कपूर घोरम करुणावतारम संसार सारम मुदगंगारम सदा वसंतम यारविंदी।